एक शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। क्यों आखिर फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई? क्या सलमान खान की आने वाली फिल्म हो गई है लीक? कौन से जबरदस्त सरप्राइजेस होने वाले हैं आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में? नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। सत्यमेव जयते के बाद अब 13 अगस्त को रिलीज होने जा रही है फिल्म सत्यमेव जयते 2 का क्लैश हो रहा है बॉलीवुड के भाई सलमान खान के ही अपकमिंग मूवी राधे के साथ। जी हाँ, जैसे हम बरसों से देखते आ रहे हैं कि भाई अपनी फिल्में ईद के दिन रिलीज करते आए हैं, वहीं आने वाली फिल्म राधे भी ईद के मौके पर रिलीज की जा रही है। जहां ऐसे में पहले खबर आ रही थी कि जॉन की सत्यमेव जयते 2 का क्लैश हो रहा है राधे के साथ। वैसे आपको बता दें, भाई की फिल्म फिलहाल थोड़े ट्रबल में है क्योंकि उनकी फिल्म राधे हो गई है लीक। ऐसे में जॉन की फिल्म के ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाली ईद उनके लिए खुशखबरी लेके आएगी, क्योंकि जहां राधे मूवी हो गई है इंटरनेट पर लीक और फैंस को फिल्म ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही है, जिससे रिलीजिंग से पहले ही सलमान भाई की मुश्किलें बढ़ गई है। और ऐसे में जॉन के लिए आसान हो गया है राधे को टक्कर देना। पर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कोविड के चलते अब फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फिल्म 13 अगस्त को हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सलमान भाई की फिल्म राधे की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। जहां फिल्म में जॉन संग दिव्या घोसला नजर आने वाली हैं, वहीं आप सबको एक धमाकेदार न्यूज से रूबरू करवाते हैं। जहां सत्यमेव जयते में सिजलिंग नोरा फतेही के आइटम डांस दिलबर ने जो ताबड़तोड़ हिट दिया, इस आइटम डांस ने जो 1990 में आई फिल्म सिर्फ तुम के गाने दिलबर, जिसमें सुष्मिता सेन को देखा गया था, उसी गाने का ये रिक्रिएशन हमें सत्यमेव जयते में देखने को मिला, जिसे डायरेक्ट किया था कोरियोग्राफर आदिल शेख ने। वहीं अब आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी हमें नौरा का जबरदस्त एक और आइटम डांस देखने को मिलेगा, जिसे इस बार भी आदिल शेख ही कोरियोग्राफ कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म में यानी धुआंधार सरप्राइजेस का पिटारा आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 को लेकर खबर आ रही थी कि जॉन इस फिल्म में डबल किरदार करते नजर आएंगे, पर अब इस बात पे पर्दा हट गया है। और हम आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन डबल रोल में नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सत्यमेव जयते 2 के पोस्टर को देख के इस बात की आधी पुष्टि तो हो गई है कि बस रिलीजिंग के दिन इस बात की पूरी तसल्ली हो जाएगी। जॉन इस आने वाली फिल्म में फादर और उसके दो बेटे का किरदार करते दिखने वाले हैं। अब देखना होगा कि अपने ट्रिपल किरदार में क्या धमाल मचाएंगे जॉन आने वाली फिल्म से सत्यमेव जयते 2 से। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जॉन के इस ट्रिपल किरदार की न्यूज से कितने खुश हैं। एक शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। दोस्तों, बॉलीवुड को मिलने वाला है नया पुलिस ऑफिसर। कौन है ये पुलिस ऑफिसर और क्या होने वाले हैं इसके पीछे की कहानी? अगर ये सब चीजें आपको जानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टी सीरीज के मुखिया भूषण कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन एब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। सत्यमेव जयते 2 2018 फिल्म का सीक्वल है। इसमें जॉन एब्राहम एक पुलिस ऑफिसर का अवतार निभा रहे हैं और दोस्तों, इसमें जॉन का डबल रोल भी है। वैसे तो इस फिल्म को मई में ही आना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे आगे धकेल दिया गया है। इसमें हमें जॉन के साथ साथ दिव्या खोसला भी दिखाई देने वाली है। दोस्तों, बॉलीवुड में आने वाली ये पहली पुलिस फिल्म नहीं है। हमारे कुछ ऑफिसर्स ने वाकई पुलिस ऑफिसर्स का स्टेटस बहुत हाई कर दिया है। आइए आज नजर डालते हैं बॉलीवुड के कुछ फेमस पुलिस ऑफिसर्स पर। दोस्तों, पहले नंबर पर निसंदेह है हमारा प्यारा सिंघम। जी हाँ दोस्तों, सिंघम
एक सच्चा, हैंडसम और ईमानदारी के राह पर चलने वाला पुलिस ऑफिसर। वाकई अजय देवगन ने इस इंस्पेक्टर की अपनी भूमिका के लिए पूरा न्याय किया, जो एक भ्रष्ट राजनेता पर हमला करता है। देवगन ने पूरी फिल्म को एक सख्त पुलिस के रूप में पेश किया, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। रोहित शेट्टी और देवगन का डायनामिक सहयोग हमेशा बॉक्स ऑफिस पर प्रभावी साबित हुआ है, और सिंघम कोई अपवाद नहीं था। और रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तूफान मचा दिया था। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है एनी गेसेस? नन अदर देन चुलबुल पांडे। जी हाँ दोस्तों, दबंग ये फिल्म, इसमें हमें कुछ अलग देखने को मिला। पुलिस वाला होकर भी उनका अनोखा अंदाज, नटखट चाले और उनकी डायलॉग बाजी लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इसमें स्वघोषित रॉबिन हुड ने उनके चरित्र के विभिन्न शेड्स दिखाए, चाहे वो प्रेम में रोमी हो या सख्त पुलिस वाला हो, हमारे पांडे जी हर रोल में जच रहे थे। दोस्तों, तीसरी फिल्म है सिम्बा। सिम्बा में रणवीर सिंह ने पहली बार इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। इसमें उनका भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से एक ईमानदार पुलिस में बदल जाना लोगों को काफी पसंद आया। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपने अपराधों से दूर नहीं जा सकता। रणवीर ने अपनी एनर्जी से कैरेक्टर में जान फूंक दी थी। दोस्तों, चौथे स्थान पर पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म मर्दानी की। रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय नामक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने का शानदार प्रयास किया। इस फिल्म में उन्होंने साबित किया कि लटके झटकों के अलावा महिलाएं इन क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना सकती है, दुनिया के खिलाफ खुद के लिए लड़ सकती है। रानी एक बोल्ड और एक मजबूत किरदार निभाती है, जो एक माँ बेटे की जोड़ी द्वारा चलाए जा रहे बाल तस्करी रैकेट के खिलाफ उनकी बैंड बजाती है। दोस्तों, पांचवे नंबर पर भी पुलिस वाली ही है, और ये मूवी है दृश्यम। तब वो एक पुलिस वाले और एक माँ की भूमिका निभाती है, जिसने अपने बेटे को दृश्यम में खो दिया है। वह लगातार दो भूमिकाओं के बीच बेहद सहजता से आगे बढ़ती है, और ट्रेन में उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने फिल्म में आईजी मीरा देशपांडे की भूमिका निभाने वाली किसी अन्य अभिनेत्री की कल्पना ही नहीं की होती। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। जी हाँ दोस्तों, राउडी राठौर। अक्षय कुमार अपने प्रशंसकों को प्रभावित करने और उनका मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होते हैं, और ये फिल्म निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पर भीड़ का आनंद थी। दोस्तों, राउडी राठौर चाहे थप्पड़ वाले संवाद हो या विचित्र डांस मूव्स हो, आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर थे। क्यूट है ना दोस्तों? अब देखने की बात ये रहेगी कि इतने टफ कंपटीशन में हमारे जॉन एब्राहम सत्यमेव जयते 2 में कैसा पुलिस ऑफिसर निभाते हैं। दोस्तों, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इन सब फिल्मों में से फेवरेट पुलिस ऑफिसर कौन सा था। और हाँ, जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी छुटपटी चीजें आप। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, दोस्तों। सत्यमेव जयते का आ रहा है दूसरा पार्ट। कौन है इसके सितारे और क्या है इसकी कहानी, अगर ये सब चीजें आपको जानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जॉन एब्राहम इज बैक ऑन द बिग स्क्रीन, और इस बार वो हमें डबल रोल में देखने वाले है। आइए और दिलचस्प बातें जानते हैं सत्यमेव जयते 2 इस फिल्म के बारे में। सत्यमेव जयते 2 एक आगामी एक्शन से भरपूर मनोरंजन है। एक सप्ताह पहले ये घोषणा की गई थी कि मिलाप जवेरी की सत्यमेव जयते 2 की रिलीज, जो सत्यमेव जयते फ्रेंचाइजी की दूसरी सीरीज है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दी गई है। मूल रूप से 13 मई को रिलीज होने वाली फिल्म को बाद की तारीख में धकेल दिया गया है।
जबकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। आइए सत्यमेव जयते 2 के कलाकारों पर एक नजर डालते हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जॉन एब्राहम मुख्य भूमिका में हमें देखने को मिलने वाले हैं। जॉन फिल्म में सत्या और जय के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे, जबकि सत्या एक पुलिस अधिकारी है, उसके अन्य चरित्र जय को सत्य की दास्ता होगी। पहले किसकी तरह जॉन एब्राहम की सत्यमेव जयते 2 एक सामूहिक फिल्म होगी, जिसमें वो एक सजग व्यक्ति की भूमिका निभाएंगे जो अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ता है। भूषण कुमार की पत्नी और निर्माता दिव्या खोसला कुमार की फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही है। मॉडल से अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक ने 2004 में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में शुरुआत की। दिव्या ने अभिनय की अपनी पहली फिल्म से ब्रेक लिया और निर्देशक बनने पर ध्यान केंद्रित किया। दिव्या खोसला कुमार ने अपने निर्देशन की शुरुआत यारिया से की और बाद में फिल्म सनमरे का निर्देशन भी किया। जॉन एब्राहम के सत्यमेव जयते 2 में मलयालम अभिनेता राजीव पिल्लई भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अभिनेता ने बॉलीवुड फिल्मों जैसे शकीला और कमाल धमाल मालामाल में भी छोटी भूमिकाएं निभाई है। अनूप सोनी टेलीविजन उद्योग में एक लोकप्रिय चेहरा है और सबसे प्रसिद्ध टीवी शो क्राइम पेट्रोल पर होस्ट होने के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता सत्यमेव जयते 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसी के साथ अभिनेत्री गौतमी कपूर सत्यमेव जयते 2 में भी दिखाई देंगी। वह कहते हैं दिल, घर एक मंदिर और परवरिश सीजन 2 जैसे धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शादी के साइड इफेक्ट्स और लेकर हम दीवाना दिलन फिल्मों में वो हमें दिखती थी। गौतमी आखिरी बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज के स्पेशल ऑप्स में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने के मेनन की पत्नी की भूमिका निभाई। दोस्तों, स्टार कास्ट तो दमदार लगती है। अब देखना ये होगा कि इन विभिन्न पात्रों का डायरेक्टर मिलाप जवेरी कैसे हमारे सामने पेश करते हैं। आपको क्या लगता है, ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक शब्द आपने ली थी अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शब्द मैंने ली है बाबा, जिस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। मुजरिम नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, झूठ पर चैन ले जा रहा है। दो टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा देंगे। दोस्तों, कितना जानते हैं आप जॉन अब्राहम के बारे में और कब शुरू की थी उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता और पूर्व मॉडल है और उन्हें कई हिंदी भाषा की फिल्मों में देखा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉन अब्राहम कई सारे विज्ञापनों और कंपनियों के लिए मॉडलिंग करने
के बाद उन्हें फिल्म जिस्म जो की में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्मों में से एक है में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद उनकी पहली व्यावसायिक सफलता फिल्म धूम, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी, में अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिला था। फिल्म धूम कितनी बड़ी हिट रही थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया था, यह कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म धूम और जिंदा में उनके द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन भी मिली थी और उन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जाने लगा था। या यूं कहें तो धूम के रिलीज होने के बाद ही जॉन अब्राहम को लोगों के बीच एक अलग सी पहचान मिली थी। इसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण सफलता फिल्म वाटर में मिली थी। उन्हें फिल्म बाबुल, जो कि वर्ष 2006 में रिलीज हुई थी, के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित भी किया गया था। जून में वर्ष 2005 की गरम मसाला और 2006 की टैक्सी नंबर 9211, 2008 की फिल्म दोस्ताना, 2009 की फिल्म न्यूयॉर्क, 2012 की सुपरहिट फिल्म हाउसफुल 2, 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेस 2, तो वहीं 2013 की शूटआउट एट वडाला को कोई कैसे भूल सकता है। उनकी बेमिसाल फिल्मों में वर्ष 2015 की वेलकम बैक, 2016 की डिशुम, 2013 की परमाणु और वर्ष 2018 की सत्यमेव जयते, जो कि एक बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता एवं सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। और फिलहाल इस फिल्म की दूसरी सीक्वल भी रिलीज होने जा रही है, जिसकी वजह से जॉन अब्राहम एक बार फिर काफी चर्चे में आ गए हैं। इस फिल्म का नाम सत्यमेव जयते 2 रखा जा रहा है और इस फिल्म में भी कई सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ दिव्या खोसला कुमार स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं और हमें पूरी यकीन है कि जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी एक सुपरहिट होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सत्यमेव जयते ये फिल्म तो हम सभी ने देखी है, लेकिन अब इसका सीक्वल भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते पार्ट 2 आ रहा है। आइए आज आपको इस फिल्म के कुछ ऐसे अनसुने चीजों से वाकिफ कराती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जॉन अब्राहम अपनी माचो फिगर के लिए जाने जाते हैं। आज बॉलीवुड उद्योग के शीर्ष अभिनेताओं और निर्माताओं में से वे एक है। इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक पूरे करने के बाद जॉन ने सफलतापूर्वक दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है और उनका बहुत बड़ा फैन बेस तक है। अब्राहम ने महेश भट्ट की जिस्म के साथ बॉलीवुड में पदार्पण किया था। 2018 में मिलाप जवेरी के सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहम ने मुख्य किरदार निभाया। फिल्म में मनोज बाजपेयी और आयशा शर्मा को भी मुख्य भूमिकाओं में देखा गया। फिल्म का कथानक एक ईमानदार पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमता है जो एक चौकसी का शिकार करने की कोशिश करता है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगाकर मार देता है। दोस्तों, फिल्म में दो लेजेंड एक्टर्स हमें एक साथ देखने को मिले। शूट आउट एट वडाला के बाद मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम ने इस फिल्म के लिए फिर से एक साथ काम किया। दोस्तों, इस फिल्म का तो नाम ही काफी है, सत्यमेव जयते। लेकिन क्या आपको पता है फिल्म का शीर्षक मूल रूप से रखा गया था राख। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ ये 2018 की सबसे बड़ी शुरुआती फिल्म बन गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में हमें एक नया चेहरा देखने को मिला जो था आयशा शर्मा का। आपको बता दो, ये नेहा शर्मा की छोटी बहन आयशा शर्मा की डेब्यू फिल्म भी थी। ये फिल्म गोल्ड फिल्म से टकरा गई जो एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी और इसमें जॉन अब्राहम के अच्छे दोस्त अक्षय कुमार थे। फिल्म तो दोनों भी मस्त थे, क्यों है ना दोस्तों? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों में से आपको फिल्म कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। निर्माता फिल्म में शामिल देशभक्ति के कारण यू सर्टिफिकेट की तलाश कर रहे थे, हालांकि उन्हें हिंसा के कारण ए सर्टिफिकेट मिला। दोस्तों, बात जब फिल्म की आती है तो इसका फेमस आइटम नंबर दिलबर की बात छिड़ ही जाती है। हिट ट्रैक दिलबर दिलबर को नोरा फतेही अभिनीत एक आइटम नंबर के रूप में फिल्म के लिए बनाया गया था। गाना बहुत हिट हुआ दोस्तों, और आपको बता दूं फिल्म दिलबर दिलबर का गाना 2018 में भारत में साल का सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला गाना था। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हम राह देख रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। आशा करते हैं ये पार्ट भी उतना ही उम्दा होगा। तो एक शब्द आपने ली थी अपनी फर्ज के लिए। Oh.
एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। सत्यमेव जयते की कौन से गाना ने अपनी धुन पर पूरी दुनिया को थिरकाया था और कैसे थे इस फिल्म के सारे गाने, किस तरह से नजर आ रहे हैं जॉन अब्राहम और दिव्या इसके सीक्वल के दूसरे पोस्टर में, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस गाने की जिसने सभी के होश और खबर को गुमशुदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्यमेव जयते की एटम सॉन्ग दिलबर की। इस गाने के नाम से ही नोरा फतेही की हॉटनेस का ख्याल आने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते के एटम सॉन्ग यानी कि दिलबर में नोरा ने अपने जलवे बिखेरे थे। ये सॉन्ग उस साल की सबसे बड़ी हिट सॉन्ग बनी थी और इस सॉन्ग की सबसे ज्यादा व्यूज भी यूट्यूब पर आई थी। ये सॉन्ग नेहा कक्कड़ और ध्वनि भानुशाली द्वारा गाया गया है और ये सॉन्ग 3D वर्जन में गाया गया है। इस गाने की बेस इतनी कड़क है कि किसी को भी अपने धुन पर थिरका दे। और बात अगर नोरा फतेही की हॉटनेस की किया जाए तो उन्होंने इस गाने में जबरदस्त बेली डांस कर सभी को अपनी अदाओं से कायल किया था और सभी को अपने बेहतरीन डांस से आकर्षित किया था। नोरा ने मानो इस फिल्म में यह एटम सॉन्ग कर चारों चांद लगाने वाला काम किया है। उनकी हर एक अदा ने लोगों को अपना दीवाना बनाया है। नोरा बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन डांसर भी है, जिसे उन्होंने इस गाने में साबित किया है। दिलबर गाने में एक लाइन है कि अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। नोरा का ये लाइन उनकी अदा को हम फैंस को उनको देखने के बाद का रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नोरा को इस गाने में बेहद ही हॉट डांस करते हुए देखने के बाद उनके फैंस के भी होश और खबर कहीं खो जाती है। और अगर कहीं ये आपको मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर बात सत्यमेव जयते 2 की फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इस फिल्म के 2 पोस्टर हमें देखने को मिला है, जिसमें से एक में दिव्या खोसला अकेली नजर आ रही है और दूसरे में जॉन और दिव्या दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस फिल्म में दिव्या कोसला कुमार और जॉन अब्राहम लीड रोल में रहेंगे। दोस्तों, जिस पोस्टर में दिव्या अकेली नजर आ रही है वह उसमें भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा के रूप में नजर आ रही है। बता दें कि उन्होंने एक प्लेन व्हाइट सूट पहना है जिसमें फ्रंट के टॉप में अशोक चक्र बना हुआ है। वहीं उनकी चुन्नी आकाश में लहरा रही है जो कि एक तरफ से सैफरन कलर की और दूसरी तरफ से ग्रीन कलर की नजर आ रही है। वहीं पोस्टर पर तिरंगे कलर में यह लिखा हुआ है कि तन मन धन से बढ़कर जन मन गन। दोस्तों, यह लाइन सुनते ही किसी के भी अंदर में एक देशभक्ति की उमंग जग पड़ेगी। वहीं फिल्म के दूसरे पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर में जॉन एक पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर भगवान राम और मैया सीता की तस्वीर दुनिया को दिखाई थी, उसी तरह से वे अपने यूनिफॉर्म को चीरते हुए तिरंगा को दर्शा रहे हैं, जो कि किसी के भी मन में देश के प्रति एक नया प्रेम जगा दे और देशभक्ति की आग भड़का दे। वही दिव्या इस पोस्टर के बैकग्राउंड में उसी अंदाज और उन्ही कपड़ों में या यूं कहे तो उसी फोटो को दोबारा बैकग्राउंड में मर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे फिल्म से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।
आखिर कितना कमाई कर सकती है जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2? और क्या है फैंस की इस फिल्म की घोषणा होते के साथ ही रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट लाए तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, मैं हूँ अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड में फिल्मों के बनने और रिलीज होने के पहले ही कई सारे अंदेशे और अनुमान लगने शुरू हो जाती है, और बॉलीवुड के महान हस्तियों में से एक जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते भी इससे अछूती नहीं रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म की घोषणा होते ही लोगों द्वारा कई सारे अंदेशे अनुमान लगने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यह फिल्म का कितना होगा बजट और क्या होगी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन और क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी। वैसे अगर जॉन के फैंस की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है और एक मोटी रकम कमाने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते कितनी बड़ी हिट रही थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म को मिलाप जवेरी द्वारा निर्देशित किया गया था और इस फिल्म को जॉन ने ही लीड किया था। और सिनेफिलो की माने तो इस फिल्म की दूसरी सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर डबल धमाल मचाने वाली है। वैसे जॉन की पहले की फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्म मुंबई सागा ने भी अपने पहले वीकेंड में ही 83 लाख रुपए कमाए थे और टोटल कलेक्शन लगभग 14 करोड़ रुपए की हुई थी। हालांकि ये फिल्म उम्मीद पर खड़ी नहीं। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। ये फिल्म ईद के मौके पर 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। मेकर्स ने अभी नई डेट का ऐलान भी नहीं किया। फिल्म की टीम ने आज सोशल मीडिया के जरिए रिलीज डेट आगे बढ़ाने की खबर दी। टीम ने लिखा है, इस संकट के समय जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की परवाह करते हुए हम अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 की तारीख निर्धारित समय से आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म से संबंधित आगे की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए 2 गज की दूरी तथा मास्क लगाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद। दोस्तों, कितना जानते हैं आप सत्यमेव जयते 2 की मुख्य अभिनेत्री यानी कि दिव्या घोसला के बारे में और कैसे उन्होंने किया बॉलीवुड में अपना डेब्यू? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल व डायरेक्टर दिव्या घोसला के बारे में। दोस्तों, दिव्या घोसला कुमार मुख्य रूप से एक भारतीय निर्माता और निर्देशक है जो कि हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने विभिन्न विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है और कुछ संगीत वीडियोस में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने टी सीरीज, म्यूजिक लेबर और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के अध्यक्ष भूषण कुमार से शादी की थी। दिव्या ने 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और 20 साल की उम्र में वे मुंबई चली आई थी, जहाँ उन्हें बॉलीवुड में अपना ब्रेक मिला था और जहाँ उनकी मुलाकात भूषण कुमार से हुई थी। उन्होंने वर्ष 2004 में तेलुगु फिल्म लव टुडे से अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह मशहूर गायक फाल्गुनी पाठक के गाने में नजर आई थी। और उसी वर्ष उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहली फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को किया था, जो कि बेशक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, लेकिन इसके बाद दिव्या ने अभिनय से एक लंबा ब्रेक ले लिया था और ध्यान अपना निर्देशन पर केंद्रित कर दिया था और वे कई सारे विज्ञापनों को निर्देशित कर चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने यारिया फिल्म को भी डायरेक्ट किया था, जो कि काबिले तारीफ थी। फिलहाल वे अपने आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 के लिए काफी चर्चे में हैं, जिसमें वे मुख्य भूमिका को निभाने जा रही हैं और फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हैं। अब देखना यह है कि दिव्या इस फिल्म में क्या धमाल मचाती है और लोगों द्वारा उनका अभिनय कितना पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी इस फिल्म से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या है जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु के रिश्ते की सच्चाई?
कि वो अलग हुई थी बॉलीवुड की यह हॉटेस्ट जोड़ी। क्या सच में जॉन ने दिया था बिपाशा को धोखा? एक जमाने में बॉलीवुड की हॉटेस्ट जोड़ियों में शामिल यह जोड़ी आज एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। फिर इनके साथ जो काम करना तो एक सपने जैसा ही रह गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक्स जोड़ी जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की। फिल्म के सेट पर मिलने के बाद कब इनके बीच प्यार की शुरुआत हुई इन्हें भी पता नहीं चला। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इतने प्यार में होने के बावजूद 10 साल के लंबे समय तक साथ में रहने के बाद अचानक इनके रिश्ते में दरार क्यों आई? आइए आज हम आपको ये सब बातें आपको बताते हैं। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया जिनके लिए उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा। वहां अपनी किस्मत आजमाने के बाद 2003 में आई फिल्म जिस्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म के सेट्स पर उनकी मुलाकात हॉट बिपाशा बासु से हुई जिसके एक कुछ वक्त बाद ही उन्हें प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को भी लगभग खास पसंद करने लगा। ये भी अक्सर ही मीडिया के सामने PDA करने से पीछे नहीं हटते थे। कई फिल्मों में उन्होंने बेहद बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। कई सालों तक दोनों ने अफेयर्स की चर्चा बॉलीवुड की गलियारों में बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में न्यू ईयर पर जॉन ने न्यू ईयर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, इस साल आप सबकी लाइफ में प्यार और बहुत सारी खुशियां, लव जॉन एंड प्रिया अब्राहम। कहा जाता है कि उन्होंने ये ट्वीट गलती से किया था जिसमें उन्होंने अपनी NRI गर्लफ्रेंड प्रिया रुंचाल का नाम लिख दिया था। इस बात का पता तब लगा जब बिपाशा को कि जॉन उनके लिए साथ रिलेशनशिप में होते ही प्रिया को भी डेट कर रहे थे और उन्होंने धोखा दे रहे। कहा जाता है कि इसी के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसी तरह लगभग 10 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद ये अलग हो गए। हालांकि उनके रिलेशनशिप या फिर ब्रेकअप के बारे में दोनों ने कभी भी खुलकर बात नहीं की। एक इंटरव्यू में दौरान बिपाशा ने यह जरूर कहा था, मुझे इस सदमे से निकलने में कई महीने लग गए थे, मेरे यकीन पर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जॉन का रिश्ता टूट गया था इस यकीन की वजह से और उनकी वजह से मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं अपना पूरा समय सिर्फ उसे ही देती थी, फिल्म करना बंद कर दी थी। और जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिपाशा उनसे शादी करके सेटल भी एक होना चाहती थी जबकि जॉन उससे सिर्फ कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। खबरों के मुताबिक बिपाशा और जॉन एक साथ में जिम जाया करते थे, तभी वहीं प्रिया भी आया करती थी। उनसे मिलने के बाद जॉन को प्यार हो गया और 10 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि आज दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, जहां एक तरफ जॉन प्रिया के साथ शादी कर चुके हैं वहीं दूसरी ओर बिपाशा की एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन डबल रोल्स में नजर आने वाले हैं, जहां के किरदार के नाम सत्या और जय होंगे जबकि उनके साथ फिल्म में दिव्या कुमार खोसला भी है जो कई सालों बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं। जॉन की निजी जिंदगी को काफी चर्चा भी भरी है और अब उनकी आने वाली फिल्म किन चर्चाओं का हिस्सा बनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या कहना है आपका जॉन और बिपाशा की लव स्टोरी और इनके ब्रेकअप के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या जॉन अब्राहम को नहीं पसंद एक्शन करना? कॉमेडी में उन्हें क्या मजा आता है? क्यों नहीं लगता जॉन को टाइपकास्ट का डर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज बॉलीवुड में एक्शन और जॉन अब्राहम का नाम साथ में जोड़ा जाता है। एक्शन की शैली में आज उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। कभी चॉकलेटी बॉय की इमेज रखने वाले जॉन आजकल एक्शन में भी नए अवतार दिखाते रहे हैं। धूम, फोर्स, शूट आउट एट वडाला, रॉकी हैंडसम और सत्यमेव जयते जैसी कई फिल्मों में वो अपने हटकर मूव्स दिखा चुके हैं। लगातार कई फिल्मों में एक्शन करने के बाद भी उनकी हर फिल्म अलग लगती है। ऐसा लगता है जैसे जॉन को एक्शन से प्यार हो गया है या उन्हें एक्शन हीरो कहलाना पसंद आने लगा है। मानो कि अगर किसी फिल्म मेकर को एक्शन फिल्म बनानी होती है तो जॉन उनके लिए एक सेफ चॉइस की तरह है। गौरतलब है कि अपनी आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी वो पावर पैक एक्शन करते दिखेंगे जिसमें उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी हैं। एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मेरे शरीर की वजह से मुझ पे नेचुरल एक्शन आ जाता है। देखा जाए तो मेरी हालिया रिलीज कई फिल्मों में एक्शन से जुड़ी हुई है पर फिर भी एक दूसरे से अलग है। बात करें अलग होने की तो हर तरफ वेलकम बैक जो एक कॉमेडी फिल्म थी उसमें काफी हल्का और मजाकिया एक्शन था, वहीं दूसरी ओर रॉकी हैंडसम में एक्शन की भरमार थी, डिशम में स्टाइल वाला एक्शन था तो सत्यमेव जयते में गलत होकर सही दिखने वाला एक्शन जिसने बॉलीवुड को एक्शन को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। इतना सारा एक्शन और मार धार देख कर किसी को भी लगेगा कि जॉन को एक्शन शैली की फिल्में करना पसंद है या ये उनका पसंदीदा जॉनर है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सच नहीं है। उनको एक्शन के विपरीत कॉमेडी पसंद है।
इसके बारे में उन्होंने कहा था, मुझे कॉमेडी पसंद है, अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरी सभी कॉमेडी फिल्मों ने कमाल का काम किया है, फिर चाहे वो हाउसफुल 2 हो, दोस्ताना हो या देसी बॉयज, वे सब सुपरहिट रही हैं। अक्सर ही बॉलीवुड में ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टर एक ही तरीके की फिल्में करता रहे तो उसे टाइपकास्ट कर दिया जाता है, पर सबकी सोच से उलट जॉन का सोचना है कि आप इस बात का भी फायदा उठा सकते हो। उनका मानना है कि अगर आप जरा सी कॉमेडी के साथ एक एक्शन फिल्म बनाएं तो वो बेशक ही हिट रहेगी। अगर कोई स्टार एक जैसी ही फिल्में करने लगे तो दर्शक भी ऊब जाते हैं और हर फिल्म के साथ कुछ नया करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बात अगर एक्शन की हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो मेकर्स हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि वो पिछली फिल्म से हटकर बढ़कर और ओवर द टॉप जाकर कुछ दिखा पाए, और उस समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो ओवर द टॉप ना लगे। जॉन का कहना है कि बॉलीवुड में या तो आप सिर्फ एक्शन हीरो हो सकते हैं, या सिर्फ एक रोमांटिक हीरो, या फिर सिर्फ एक डांसिंग हीरो। अब इन सब बातों को सुनकर पढ़कर तो ये देखना बेहद ही रोचक होने वाला है कि कॉमेडी प्रेमी जॉन सत्यमेव जयते 2 में अपने एक्शन वाले किरदार से कितना न्याय कर पाते हैं, आप उनकी इस बात से कितना सहमत है और कितना नहीं, और आपको जॉन कौन से अवतार में ज्यादा पसंद है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, जिस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। मुजरिम नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, झूठ पर जय ले जा रहा है। दो टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। मुलाकात हुई जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी की, क्या जॉन बिपाशा को धोखा दे रहे थे, क्यों की थी जॉन ने छिपकर शादी, क्या है जॉन और प्रिया के अलग होने की कहानी। बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपने अकेले दम पर नाम कमाने वाला ये कलाकार आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है, साथ ही आने लुक्स पर ये सभी को कायल करने का दम भी रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते फेम एक्टर जॉन अब्राहम की। जॉन अपनी फिल्मों और दमदार पर्सनैलिटी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जितना वो प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्ट है, वैसे ही वे पर्सनल लाइफ में भी है। उनकी वाइफ प्रिया रुंचल एक बैंकर है और दोनों की जोड़ी एकदम बिंदास है, हालांकि इनकी लव स्टोरी भी कमाल की है। तो आइए आज जॉन की निजी जिंदगी और शादी से जुड़े कुछ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात तो सभी को पता ही है कि जॉन बिपाशा बासु के साथ 10 साल के लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह चुके थे और इनका रिश्ता भी किसी से भी छुपा नहीं था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जॉन और प्रिया बहुत कम समय में एक दूसरे से मिले और जॉन ने उन्हें प्रपोज किया, जिसके कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, मगर ऐसा कतई नहीं है। जॉन के एक खास के अनुसार प्रिया बहुत पहले ही उनकी जिंदगी में आ चुकी थी। दरअसल 2010 में जब जॉन और बिपाशा साथ में बैंड्रा के एक जिम में वर्कआउट करते थे, तब प्रिया भी उसी जिम में आती थी। दोनों एक दूसरे को बस जानते थे, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। उनके बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई, लेकिन बिपाशा ने इससे जुड़ी किसी भी अफवाह पर कभी ध्यान नहीं दिया।
इसके बाद जॉन ने प्रिया से दिसंबर 2013 में शादी कर ली, जिसके बारे में मीडिया तक को भी कोई खबर नहीं लगी। इसकी जानकारी खुद जॉन ने ट्विटर के जरिए 2014 में दी थी। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को काफी गुप्त रखा। बता दें कि प्रिया भी काफी प्राइवेट किस्म की है, इसलिए बॉलीवुड की कम ही पार्टीज में वे दिखाई पड़ती है। उन्हें अपना काम और जिंदगी शांति से जीना पसंद है। प्रिया और जॉन की शादी को लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि बीच में इनके बीच अनबन होने की खबर भी आई थी, जिसे बाद जॉन ने खुद मीडिया में इसे अफवाह बताया। खैर, हम दुआ करते हैं कि जॉन की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे और वे हमें इसी तरह सुपरहिट फिल्में देते रहे। गौरतलब है कि जॉन जल्द ही 2018 की फिल्म सत्यमेव जयते के दूसरे भाग में नजर आने वाले हैं, जिसमें वे हमें डबल रोल्स में दिखेंगे। मिलाव जाफरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी है। बहरहाल, उनके गुप्त शादी और प्यार की शुरुआत वाली वो कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक शपथ आपने ली थी जिस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की, लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। नजर आने वाले हैं फिल्म सत्यमेव जयते के दूसरे सीक्वल यानी कि सत्यमेव जयते 2 में, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के वीडियोस को लाए तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के दूसरे सीक्वल यानी कि सत्यमेव जयते 2 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यमेव जयते 2 एक आगामी हिंदी भाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और यह फिल्म मिलब जवेरी द्वारा लिखी और टी सीरीज और डबल ए फिल्म्स द्वारा निर्मित की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म सत्यमेव जयते अन्याय के खिलाफ और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बनी एक फिल्म थी, और सत्यमेव जयते उसी की दूसरी कड़ी है। दोस्तों, इस फिल्म में एक बार फिर जॉन अब्राहम ही मुख्य भूमिका को निभाने वाले हैं, और उनके साथ दिव्या खोसला जो कि एक डायरेक्टर भी है इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करने वाली है। और इन दोनों के अलावा इस फिल्म में राजीव पिलाई और टीवी एक्टर व प्रसिद्ध व लोकप्रिय एंकर अनूप सोनी भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म ईद के दौरान 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली है, और ये फिल्म एक सुपरहिट होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर। तो आखिर ऐश्वर्या राय ने क्यों उठाई तलवार, एक्शन सीन्स के लिए कितनी मेहनत करती हैं ये हीरोइंस, मैरी कॉम के किरदार के लिए किस किस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था प्रियंका चोपड़ा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो बॉलीवुड के किसी भी एक्शन फिल्म का नाम लेते ही हमारे सबके दिमाग में एक्शन हीरो का नाम ही सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारी क्लासिक हिंदी फिल्मों में अधिकतर यही दिखाया गया है कि एक्शन तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और लड़कियां हमेशा अबला ही होती हैं। पर आजकल ऐसा नहीं है, आज के समय में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें लीड रोल में हीरोइन होती है, और कई एक्शन फिल्मों में वो मार धाड़ भी करती नजर आती है। कई हीरोइन है जिन्होंने एक मापदंड को तोड़ा है और अपनी एक अलग जगह लोगों के दिलों में बनाई है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्में और एक्शन हीरोइंस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पहली आती है सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा। AR मुरुगादास द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए सोनाक्षी को बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। फिल्म में उनका किरदार अकीरा एक भ्रष्ट पुलिस अफसर राणे अनुराग कश्यप से बदला लेने निकला है। उनके द्वारा किए गए एक्शन सीन्स लाजवाब है, जिनमें उनकी ट्रेनिंग की मेहनत का असर दिखता है। दोस्तों, उनके द्वारा निभाया गया कोई भी एक्शन सीन फेक या जबरदस्ती डाला हुआ नहीं लगता। दूसरी आती है प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम। बॉक्सर मैरी कॉम की असल जिंदगी पर बनी इस फिल्म में प्रियंका ने टाइटल रोल निभाया था। किंग बॉक्सिंग करते हुए अपना किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं है, पर प्रियंका चोपड़ा ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। मैरी कॉम के रोल में ढलने के लिए उनके जैसे टेक्निक के लिए उन्हें बहुत ही कड़े फिटनेस के शासन से गुजरना पड़ा था। इसके लिए वो मीलों तक दौड़ी, स्टंट ट्रेनिंग ली, बर्फीले मौसम में पुशअप्स की और
बॉक्सिंग भी सीखी। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस भी देखने लायक थी। एक बॉक्सर के रूप में वो कहीं भी फीकी नहीं पड़ती दिखी। तो दोस्तों हमारी तीसरी फिल्म आती है माधुरी दीक्षित की गुलाब गैंग। पिछले जमाने के कई सॉफ्ट रोल्स, फैमिली ड्रामा और सीधी सादी लड़की वाले किरदार निभा चुकी माधुरी फिल्म में कुंग फू करती दिखती है। इसके लिए उन्होंने शाओलिन कुंग फू की कड़ी ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद वो बिना हथियारों के भी लड़ती देखी गई। खूबसूरती से नाचने वाली माधुरी मार्शल आर्ट बड़ी आसानी से कर सकती है, ये इस फिल्म में दिखा था। तो दोस्तों हमारी अगली फिल्म आती है ऐश्वर्या राय बच्चन की जोधा अकबर। तो दोस्तों फिल्म में जोधा बाई के किरदार में नजर आकर पहले ही ऐश्वर्या ने लोगों को दीवाना बना दिया था, पर फिल्म में एक और खास बात थी जो कि थी उनके द्वारा किए गए एक्शन सीन्स। तलवारबाजी करती दिखी ऐश्वर्या ने बेशक ही इसकी ट्रेनिंग ली होगी, फिल्म में वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह तलवार घुमाती है जो किसी को भी डरा दे। तो दोस्तों बॉलीवुड में एक्शन सीन्स करती है एक्ट्रेस वाकई में दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। अगर आप भी ऐसी किसी एक्ट्रेस से प्रभावित हुए हैं तो हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन है आयशा शर्मा? क्यूट रोल हुई नेहा शर्मा की बहन, आधी शूटिंग के बाद क्यों छोड़ दी थी उन्होंने? नमस्ते लंदन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा एक मॉडल भी है। जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते में नजर आ चुकी है आयशा शर्मा, एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन। आइए आज हम आपको बताते हैं अपनी बोल्ड फोटोज और सेक्सी जिम वियर को लेकर चर्चा में रहने वाली आयशा के बारे में कुछ बातें। आयशा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन है। उनका जन्म 24 जनवरी 1989 को बिहार के बागलपुर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने दादा दादी के साथ दिल्ली में बिताया। उसके बाद उन्होंने एमटी स्कूल में बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके पिता अजीत शर्मा बागलपुर के एक नामी नेता और कांग्रेस के एक मेंबर थे। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस फील्ड में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत ही कम उम्र से मॉडल बनने की इच्छा रखती थी और बाद में अपनी माँ से मिले सहारे से इंजीनियरिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी शुरू की। मॉडलिंग में उन्होंने अपना डेब्यू 2014 में लैक्मे से किया, जहाँ उन्हें फैंस ऑफ लैक्मे में नवाजा गया। रॉयल चैलेंज के लिए भी वो मॉडल रह चुकी है, पेप्सी कैडबरी फाइव स्टार जैसे ब्रांड्स के लिए भी काम कर चुकी है। और तो और आयशा 2016 में किंग फिशर कैलेंडर गर्ल भी रह चुकी है। उन्हें जिम करना बहुत भाता है और वे अपने स्पिन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट। वो एक ट्रेंड कथक डांसर भी है। इसके अलावा उन्हें हॉप सालसा और जेएस जैसे डांस फॉर्म भी याद है। बात करें अगर उनके लुक की तो उनके लुक बहुत शार्प है, बिल्कुल अपनी बहन जैसे। अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो वहाँ कई बोल्ड फोटोज हैं। आयशा एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी रखती है और सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव भी रहती है। हालांकि वे अधिकतर रिजेक्ट हुई होती है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्हें पूरा जगन्नाथ की फिल्म रफ में मौका मिला, परंतु डेट इश्यूज के चलते उन्होंने एक शेड्यूल की शूटिंग के बाद फिल्म छोड़ दी। ऐसा ही कुछ फिल्म नमस्ते लंदन के साथ हुआ, जिसे उन्होंने किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दिया था। और आखिरकार उन्हें जॉन अब्राहम स्टारर 2018 की सत्यमेव जयते मूवी से अपना डेब्यू करने का मौका मिला और उनकी काफी सराहना भी हुई। उनकी फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसी के साथ शाहरुख खान उनके पसंदीदा एक्टर्स हैं। अपनी पहली फिल्म के पोस्टर्स लॉन्च के बाद उनके लुक्स को कैटरीना कैफ से मेल खाता हुआ भी बताया गया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस को ट्रोल करना कोई नई बात नहीं है, अक्सर ही उन्हें उनके कपड़े खान और तमाम चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ आयशा के साथ, वे अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल भी की जा चुकी है। एक पार्टी में वो पारदर्शी ड्रेस पहने घर पहुंची, उनकी इस ड्रेस को लेकर जमकर ट्रोल किया गया। बर्थडे पार्टी में हॉट बैकलेस मोनोक्रोम जब सूट में पहुंची, फुल ड्रेस के लिए ट्रोल हुई आयशा से कहा गया था कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है। उन पर बंदे कमेंट्स किए गए थे, हालांकि उन्होंने इन बातों को कर। किस फिल्म में कंगना रनौत ने निभाया था डबल रोल? आमिर खान के डबल रोल वाली इस फिल्म में क्या कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर? ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम साथ सत्यमेव जयते 2 में वह दर्शकों को डबल रोल में नजर आने वाली है। पर यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में कोई एक्टर डबल रोल में देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार कई एक्टर्स एक से ज्यादा रोल्स में नजर आकर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी कुछ एक्ट्रेस और उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल्स वाली फिल्मों पर। प्रेम रतन धन पायो। बॉलीवुड के भाई जॉन कहलाने वाले सलमान खान को फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला माना जाता है।
दबंग खान हर किरदार में दर्शकों को पसंद आते हैं। फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर भी कुछ ऐसी ही था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें उन्होंने प्रेम और युवराज राम के दो बिल्कुल ही अलग तरीके के किरदार निभाए थे। क्रिश टीम ऋतिक रोशन साथ क्रिश को बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो कहा जाता है। इस सीरीज में सभी फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद की। बच्चों में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिला था। ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीसरे भाग में कृष्ण और रोहित नाम के दो किरदार निभाए थे। इस फिल्म के 240.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कंगना रनौत ने फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में डबल रोल किया था। उन्होंने दोनों ही किरदारों में बेहतरीन अभिनय किया था। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के कई ऐसे डायलॉग हैं जो कंगना के कई फैंस को आज भी याद होंगे। इस फिल्म ने 152 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें उन्होंने तनु और कुसुम नाम के किरदार निभाए थे। धूम 3। धूम सीरीज की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई और इन फिल्मों में एक्शन और रोमांस का कॉकलेट जो है दर्शकों को खूब पसंद आया। इसमें आमिर खान ने समर और साहिर नाम के किरदारों का डबल रोल निभाया था। आमिर को दोनों रूप से दर्शकों ने पसंद किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। गौरतलब है कि जॉन फिल्म में सत्य और जय नाम के दो किरदारों में दिखेंगे। अब इस किरदार में दर्शकों को भाने वाले हैं ये तो फिल्म की रिलीज डे ही पता चलेगा। इनमें से अपनी फेवरेट मूवी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जॉन की अगली फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं यह भी बताना मत भूलिएगा। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग। कौन है ये एक्टर जिसने शादी के बावजूद अपनी पत्नी को दिया धोखा? कौन है जिसने अपने बच्चों को अपनाने से किया इनकार? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज में। टेलीविजन पर सबको सतर्क रहने के लिए बोलने वाले अनूप सोनी आज टीवी पर एक बड़ा नाम है। कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुके अनूप ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उनके ग्लैमरस लाइफ से अलग उनकी एक पर्सनल लाइफ है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। 30 जनवरी 1975 को लुधियाना में जन्म में अनूप सोनी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी है। अनूप ने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म गॉडफादर से की। इसके बाद उन्होंने फिजा, दीवानापन, खुशी, शीन और कर्कश जैसी फिल्मों में काम किया। पर बड़े पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाले अनूप को सिल्वर स्क्रीन पर कोई खास सक्सेस नहीं मिली। बाद में उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, बालिका वधू जैसे तमाम धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने कई पॉपुलर शोज में काम किया है। कॉमेडी सर्कस, शांति, रात होने को है, कहानी घर घर की, रेमिक्स, ब्योमिक्स, बक्सी तहकाकात, आहट जैसी कई शोज पे भी उन्होंने काम किया है। उनका डायलॉग सावधान रहिए, सतर्क रहिए काफी चर्चित हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनूप ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी रितु सोनी से हुई। सीबीएसई पुणे में मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करने वाली रितु फिलहाल एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हैं। दोनों के दो बच्चे भी हैं और साल 2010 में दोनों ने तलाक भी ले लिया। अनूप सोनी ने अपनी पहली पत्नी को रिश्ते में धोखा दिया था और उसके बाद दूसरी शादी की, जिसके बाद खबर थी कि उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ रखने से मना कर दिया था। बेहद कम ही लोग जानते हैं वो राज बब्बर के दामाद भी हैं। उनकी बेटी जूही से अनूप ने शादी की है। अनूप और जूही की बात करें तो उनकी मुलाकात एक जुट थिएटर ग्रुप के जरिए हुई। दोनों नादिरा बब्बर के प्ले में साथ काम कर रहे थे। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी बेहद सादे ढंग से दोस्तों और करीबियों के मौजूदगी में हुई। अनूप के साथ जूही की भी दूसरी शादी थी। अनूप से पहले जूही ने बिजोय नामियार से शादी की थी, लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए। आज अनूप और जूही का एक बेटा ईमान है। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव में भी अनूप सोनी को देखा गया। इस सीरीज को लेकर वैसे काफी बवाल मचा था, यहाँ तक कि कई स्टेट में इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की खबरें भी सामने आई थी। गौरतलब ये है कि अनूप सोनी ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 में खास रोल में नजर आने वाले हैं। सकता है सत्यमेव जयते 2 का बजट? अक्षय की फिल्म हॉलीडे से क्यों तुलना हुई फिल्म की?
फिल्म मुंबई सागा और सत्यमेव जयते 2 का क्या है रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको बताया था कि जॉन अब्राहम जल्द ही 2018 की रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते के सीक्वल सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगे, जिसमें वो हमें डबल रोल्स में दिखेंगे और इसमें उनके साथ कई सालों बाद फिल्मों में वापसी कर रहे दिव्या खोसला कुमार भी हैं। जॉन के डबल रोल्स वाली इस फिल्म में उनके नाम सत्या और जय होंगे, जो भारत के लिए अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉलीवुड में ये अक्सर देखने को मिलता है कि किसी फिल्म के रिलीज से कहीं पहले से ही उससे जुड़ी अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जहां फैंस से लेकर दर्शकों और फिल्मी पंडित तक सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लग जाते हैं। और सबसे अधिक अगर किसी बात की चर्चा होती है तो वो है फिल्म के बजट और उसकी अंदाजन कमाई की। फिल्म से जुड़े ऑफिशियल सोर्स फिल्म के बजट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करते, पर लोग खुद से ही इसका अंदाजा लगा लेते हैं, तो हम भी पीछे क्यों रहे। आइए आज हम भी फिल्म के बजट और इसकी होने वाली अंदाजन कमाई के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें जॉन की इस फिल्म के पहले भाग सत्यमेव जयते की, तो मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित वो फिल्म 38 करोड़ के बजट में बनी थी। वहीं अगर हम देशभक्ति फिल्मों की बात करें तो ऐसी फिल्मों में महारत हासिल कर चुके अक्षय कुमार की फिल्मों का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। 2014 में रिलीज हुई उनकी फिल्म हॉलीडे भी कुछ इसी तरीके की कहानी पर आधारित थी, जहां अक्षय का किरदार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते देखा जाता है। इस फिल्म का बजट तब 50 करोड़ था, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। वहीं अगर जॉन की हालिया रिलीज मुंबई सागा की बात करें तो इसका बजट भी 50 करोड़ था, यानी जॉन कम बजट की फिल्में ज्यादा करते हैं। अगर ऐसे में सत्यमेव जयते 2 के बजट की बात करें तो ये 50 से 70 करोड़ के बीच का हो सकता है। अगर हम इस फिल्म की कमाई की बात करें तो सत्यमेव जयते ने 100 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि फिल्म अक्षय कुमार स्टारर गोल्ड के साथ क्लैश हुई थी, जिसके कारण हो सकता है कि फिल्म ने उम्मीद से कम कमाई की हो। और ऐसे ही कुछ इस बार दूसरे भाग के साथ भी हो रहा है। ये फिल्म भी सलमान खान के राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ क्लैश हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर जॉन स्टारर पर ही पड़ेगा, क्योंकि सलमान की फिल्म तो बिना किसी प्रमोशन के भी 300 करोड़ की कमाई कर सकती है। हॉलीडे ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ कमाई की थी, जो अपने बजट से कहीं ज्यादा थी। जॉन की फिल्म मुंबई सागा तो अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है और लगभग 22 करोड़ की कमाई अभी तक कर चुकी है। ऐसे में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर सब सही रहा और फिल्में सिनेमा घरों में ही आई तो जॉन की आगामी फिल्म 100 करोड़ की कमाई तो कर ही लेगी। ये तो बात रही हमारे अनुमानों की। अगर आप भी हमारे अंदाजों से सहमत हैं तो अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। किस फिल्म में कंगना रनौत ने निभाया था डबल रोल? आमिर खान के डबल रोल वाली इस फिल्म ने क्या कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर? ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 में वो दर्शकों को डबल रोल में नजर आने वाले हैं। पर ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में कोई एक्टर डबल रोल में दिखने वाला है। इससे पहले भी कई बार कई एक्टर्स एक से ज्यादा रोल्स में नजर आकर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल्स वाली फिल्मों पर। प्रेम रतन धन पायो। बॉलीवुड के भाईजान कहलाने वाले सलमान खान को फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला माना जाता है। दबंग खान हर किरदार में दर्शकों को पसंद आते हैं। फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर भी कुछ ऐसा ही था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें उन्होंने प्रेम और युवराज नाम के दो बिल्कुल ही अलग तरीके के किरदार निभाए थे। क्रिश 3। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश को बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो कहा जाता है। इस सीरीज की सभी फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद की। बच्चों में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता था। ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीसरे भाग में कृष्णा और रोहित नाम के दो किरदार निभाए थे। इस फिल्म ने 240.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कंगना रनौत ने फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में डबल रोल किया था।
उन्होंने दोनों ही किरदारों में बेहतरीन अभिनय किया था। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के कई ऐसे डायलॉग हैं जो कंगना के कई फैंस को आज भी याद होंगे। इस फिल्म ने 152 करोड़ का बिजनेस किया था। इसमें उन्होंने तनु और कुसुम नाम के किरदार निभाए थे। धूम 3। धूम सीरीज की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई है। इस फिल्मों में एक्शन और रोमांस का कॉकटेल दर्शकों को खूब पसंद आया। इसमें आमिर खान ने समर और साहिर नाम के किरदारों का डबल रोल निभाया था। आमिर को दोनों रूप में दर्शकों ने पसंद किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। गौरतलब है कि जॉन फिल्म में सत्या और जय नाम के दो किरदारों में दिखेंगे। अब वो किस किरदार में दर्शकों को भाने वाले हैं, ये तो फिल्म की रिलीज। जब बॉलीवुड ने लड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जानी बॉलीवुड की भ्रष्टाचार से भरी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीकास्ट स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो हमने आपको बताया था कि जॉन इब्राहिम और दिव्या कुमार खोसला स्टारर सत्यमेव जयते 2 इसी साल ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होने वाली है। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म में जॉन डबल रोल में दिखेंगे और इसकी कहानी भ्रष्टाचार और गलत के खिलाफ लड़ाई और इंसाफ के इर्द गिर्द होगी। आइए आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है। दोस्तों पहली आती है गब्बर इज बैक, और ये फिल्म 2015 में बनी थी, और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अक्षय कुमार और श्रुति हसन स्टारर ये फिल्म मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मिलकर किए जा रहे भ्रष्टाचार को दिखाती है। फिल्म शोले में जहां गब्बर को विलन दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म में गब्बर बने अक्षय कुमार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भ्रष्ट पुलिस वालों को मारते हैं। फिल्म के अंत में वो शोले का बहुत चर्चित डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया भी बोलते हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म सुपरहिट रही थी। दूसरी आती है रंग दे बसंती, ये फिल्म 2006 में बनी थी। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान, सिद्धार्थ नारायण, सोहा अली खान, कुणाल कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी और अतुल कुलकर्णी जैसे सितारे थे। फिल्म देश के युवाओं की कहानी है जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। अपनी बढ़िया कहानी, कास्ट और गाने के चलते फिल्म सुपर हिट रही थी। अब तीसरी फिल्म आती है गंगाजल, जो 2003 में आई थी। अब आप इसको कहां देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, ग्रेसी सिंह और मुकेश तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म एक ईमानदार और हिम्मती पुलिस वाले और उनके आदर्शों को और लोकल डॉन और उसके बेटे के खिलाफ उनकी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। एक नए जिले में हाल ही में पोस्ट हुए एसपी अमित कुमार को जब वहां के डॉन और हुकूमत का पता चलता है तो वो भी रुकता नहीं है। तो दोस्तों हमारी चौथी फिल्म आती है उंगली, जो कि 2014 में बनी थी, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब कहानी एक गैंग के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को उंगली गैंग कहकर पुकारती है। रेंसल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त, इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत, नील भूपला, मंगत बेदी और महेश मांजरेकर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। कहानी चार लोगों के गैंग की है जो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, वहीं पुलिस उनके इस मकसद को कामयाब होने से रोक रही है। अब फिल्म में आगे किसकी जीत होती है, जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी पांचवी फिल्म आती है सत्याग्रह, जो कि 2013 में बनी थी। अब आप इसको भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। एक पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित और प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी और अमृता राव जैसे कई प्रसिद्ध कलाकार थे। कहानी एक बूढ़े बाप की है जो अपने बेटे की मौत के बाद वादा किए हुए हर जाने के लिए लड़ता है, और आखिरकार वो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए सत्याग्रह का सहारा लेता है। फिल्म में कई तरह के राजनीतिक ड्रामे और पैंतरे दिखाए गए हैं जो असल जिंदगी में भी खेले जाते हैं। तो दोस्तों गौरतलब है कि 13 मई को रिलीज हो रही जॉन इब्राहिम स्टारर ये फिल्म सलमान खान की बहुप्रतीक्षित राधे, ये मोस्ट वॉन्टेड भाई के साथ क्लैश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से फिल्म बाजी मारती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ
निर्देशक मिलाप जवेरी को रितेश देशमुख से खास लगाव है। जानिए मिलाप की कुछ खास फिल्मों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक फिल्म को बेहतर बनाने के लिए उसमें जहां अच्छे एक्टर्स होना जरूरी है, वहीं एक अच्छा लेखक और एक अच्छा निर्देशन उसे और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकता है। अपनी कई फिल्मों में निर्देशक की कुर्सी संभालने के साथ साथ उनकी कहानी को लिखने का काम भी ये निर्देशक खुद ही करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्देशक लेखक मिलाप मिलन जवेरी की। आइए आज हम आपको उनके द्वारा लिखित कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताते हैं। पहला है मस्ती, जो कि 2004 में आई थी। कहानी तीन दोस्तों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वे तीनों ही एक मर्डर के केस में मुख्य आरोपी ठहरा दिए जाते हैं। 5 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने 26 करोड़ रुपए की कमाई की और एक हिट साबित हुई। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन, आफताब शिवदासानी, जिनेलिया डिसूजा, लारा दत्ता और अमृता राव जैसे कई सितारे थे। नेक्स्ट हे बेबी 2007। कहानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले तीन दोस्तों की है जो मजे के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर एक नवजात पाया जाता है। चूंकि उन्हें उसके माँ बाप के बारे में नहीं पता, इसलिए आगे की कहानी में वो उसके बाप और माँ को का पता लगाने निकलते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान, बोमन ईरानी और विद्या बालन फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। अगली फिल्म है एक विलन 2014। फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर गुरु, जिसका रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाया था, के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो आयशा यानी कि श्रद्धा कपूर के प्यार में पड़ जाता है और जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला करता है। पर जब आयशा का मर्डर हो जाता है तो वो वापस उसी रास्ते पर चलकर उसकी मौत का बदला लेने निकलता है। इसकी कास्ट की बात करें तो सिद्धार्थ और श्रद्धा के अलावा इसमें रितेश देशमुख, KRK और आमना शरीफ जैसे कलाकार थे। अगली फिल्म है सत्यमेव जयते, जो कि 2018 में आई थी। जॉन अब्राहम स्टारर इस फिल्म की कहानी वीर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें वो भ्रष्ट पुलिस अफसरों को मारकर जला देता है और अपनी पहचान छुपाए रखने के कारण पुलिस को उसे ढूंढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जॉन के अलावा मनोज वाजपेयी, आयशा शर्मा भी अहम किरदारों में थे। अगली फिल्म है मर जावा 2019। कहानी एक डॉन नारायण नन्ना के लिए काम करने वाले गैंगस्टर रघु यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, जो डॉन का खास आदमी भी है। जबकि डॉन का बेटा विष्णु रघु से जलता है क्योंकि उसके पिता उससे ज्यादा रघु को मानते हैं, जिसके कारण वो उसके लिए कई मुसीबतें भी खड़ी करता है। सिद्धार्थ के अलावा इसमें रितेश देशमुख, तारा सुतारिया, रकुलप्रीत सिंह और MV किशन भी अहम भूमिकाओं में थे। तो फिल्मों की लिस्ट को देखकर तो लगता है कि रितेश देशमुख मिलाप जवेरी को कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसी वजह से उनकी लगभग हर फिल्म में रितेश तो होते ही होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। क्या एक्शन सीन्स में सच में एक्ट्रेस अपने आप को चोट पहुंचाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं एक्शन सीन? क्या काम होता है एक एडिटर का? इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक अच्छे एक्शन सीन के पीछे एक्शन डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंटमैन और बेस्ट कोरियोग्राफी का हाथ होता है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसमें एक एक्शन सीन परफेक्ट बनाता है। फिल्मों में किसी भारी भड़कम एक्शन सीन को देखकर अक्सर ही हम सोचते हैं कि क्या सच में हीरो के विलन ने एक उसके आदमियों को मारा और उसे चोट भी लगी होगी। तो आइए आज हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल एक अच्छे से कोरियोग्राफ्ड सीन और एक परफेक्ट एक्शन सीक्वेंस के पीछे एडिटिंग, एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एडिटिंग दरअसल एक एक्शन सीन की शूट के दौरान कैमरा कई एंगल से शूट किया जाता है, जिसके बाद एडिटर उन सीन्स को एडिट कर देता है और ऐसा बनाता है जिससे लगता है कि किसी को सच में मारा गया। शूटिंग के समय से सीन्स कई ब्रेक्स में शूट आता है जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग किसी भी सीन को परफेक्ट बनाने के लिए अच्छी एक्टिंग बहुत जरूरी होती है। अगर एक एक्टर ही हीरो वाली फील नहीं लेगा तो दर्शकों को वो रियल नहीं लग सकता। कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो खुद एक्शन सीन नहीं करते और उनकी जगह उनके बॉडी डबल या फिर स्टंट मैन वो सीन करते हैं। तो अगली बार अगर आप कोई एक्शन मूवी देखें तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने चहेते सितारे को मार खाते हुए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक नाटक है। धन्यवाद। बॉलीग्रैड स्टूडियोज देखते रहिए। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने।
की वजह से हुए लॉकडाउन ने जहां 2020 में हर चीज की गति रोक दी थी, जब ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था, ऐसे में फिल्मी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा जब फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई, जब थिएटर्स को बंद कर दिया गया और लोगों के मनोरंजन पर तो जैसे कोरोना का ताला लग गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अब लगभग जब एक साल बाद धीरे धीरे हर चीज अपनी गति पर वापस आ रही है, तब फिल्म इंडस्ट्री भी लोगों के मनोरंजन के साथ वापस है। यूं तो इंडस्ट्री वालों ने लॉकडाउन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि वो दर्शकों से जुड़ पाए। फिल्में थिएटर में ना सही OTT पर रिलीज होनी शुरू हुई, जिसने बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाई और अब छोटे बजट की फिल्में भी कमाल कर सकती हैं। 2021 में कई फिल्मों के रिलीज होने की चर्चा है, पर कुछ खास फिल्में जो प्रचलित हैं वो है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की। जी हाँ, इस साल बॉलीवुड में बहुत सी हिट फिल्मों के सीक्वल आने वाले हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला, सत्यमेव जयते 2। फिल्म के पहले भाग में जहाँ जॉन अब्राहम भ्रष्ट अफसरों को मारने वाले वीरेंद्र राठौर के किरदार में दिखे थे, वहीं दूसरे भाग में वो डबल रोल करते हुए नजर आने वाले हैं, जिनका नाम सत्या और जय है। फिल्म में उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी हैं, जो कई सालों बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं। फिल्म 13 मई को सलमान खान की राधे को टक्कर देने के लिए तैयार है। दूसरा, बधाई हो। 2018 में आई आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा स्टारर कॉमेडी फिल्म बधाई हो का ये सीक्वल भी उसकी तरह ब्लॉकबस्टर हिट होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस बार सीक्वल में लीड रोल्स में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर दिखाई देंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है, पर फिल्म को इसी साल दिसंबर में रिलीज करने की खबर है। बंटी और बबली 2। ओरिजिनल फिल्म में जो कि 2005 में आई थी, उसमें अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन अहम किरदारों में थे। वहीं अब दूसरे भाग में अभिषेक बच्चन की जगह हमें सैफ अली खान दिखाई देंगे और उनके साथ गली बॉय फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और डेब्यूटेंट शर्वरी वाघ भी होंगी। फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार है। भूल भुलैया 2। पहले भाग में अक्षय कुमार और विद्या बालन की अदाकारी ने लोगों के दिल जीत लिए थे और ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट भी साबित हुई थी। अब इसके सीक्वल में कार्तिक आर्यन अक्षय वाला किरदार निभाएंगे और उनके साथ कियारा आडवाणी और तबू भी अहम रोल्स में हैं। फिल्म 19 नवंबर को रिलीज होगी। दोस्ताना 2। 2008 की ओरिजिनल फिल्म में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का गे वाला नाटक तो आपको याद होगा ही, उनके अलावा देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बना दिया था। दूसरे भाग में हमें कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और डेब्यूटेंट लक्ष्य लालवानी मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। पहले भाग की सफलता के बाद दर्शक सीक्वल से भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। हालांकि पहले दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की नई रिलीज को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा हंगामा 2, हीरोपंती 2, बागी 4, चैप्टर 2 और गो गोवा गॉन 2 जैसी कई फिल्मों के 2021 में रिलीज होने की चर्चा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 सीक्वल का साल होने वाला है, जो देखा जाए तो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने के लिए सही भी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। एक शब्द आपने ली थी, फर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। बॉलीवुड में क्यों बन रही है इतनी सीक्वल फिल्में? क्या बॉलीवुड में नया कुछ नहीं बचा? जानिए क्या कहना है सिनेमा से जुड़े लोगों का इस बारे में। अगर देखा जाए तो 2021 में जितनी भी फिल्में आने वाली है उनमें से ज्यादातर तो पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल हैं, जैसे भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, सत्यमेव जयते 2, बंटी बबली 2, हंगामा 2, बधाई हो आदि। जहाँ इनमें से कुछ रिलीज के लिए तैयार हैं, कुछ की शूटिंग चल रही है। ऐसे में तो ये सोचना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या है कि मेकर्स नई फिल्मों को छोड़कर इन फिल्मों के सीक्वल बना रहे हैं। आइए जानिए इस फिल्म के बारे में और क्यों निर्माता इन्हें बनाते हैं। कई फिल्मी पंडितों का मानना है कि नई फिल्म या नए एक्सपेरिमेंट की बजाय दर्शक पुरानी हिट फिल्मों को दोबारा नई काश में देखना पसंद करते हैं। मेकर्स भी इन्हीं के सीक्वल पर काम करते हैं क्योंकि इनकी पहले से ही बनी बनाई ऑडियंस रहती है, जो फिल्म के लिए लाभदायक है। और ऐसे समय में जब लोग थिएटर में जाने से डरते हैं, तब ऐसी फिल्म लोगों को थिएटर तक खींच लाती है।
एक्सपर्ट अतुल मोहन ने मीडिया को बताया, हाउसफुल और गोलमाल जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहीं। पार्थ ने भी अच्छा काम किया। ऐसा ही कुछ कोई मिल गया और क्रिश के साथ भी हुआ। निराशाजनक कोई भी नहीं रही। इस समय की स्थिति में क्या होगा, आपके पास पहले से ही एक पॉपुलर टाइटल है जिससे दर्शकों को अपना महसूस होगा। फिल्म की मार्केटिंग भी आसान होगी, पर फिल्म का कंटेंट ही आपको चलाएगा। एक तरफ मेकर्स जहां फिल्म की मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, वहीं एक्टर्स एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं। जॉन अब्राहम जो सत्यमेव जयते 2 में डबल रोल में नजर आने वाले हैं, फिल्म मनोरंजक होनी चाहिए। अगर इसमें वह है तो वह कमर्शियल मसाला है तो यह काम जरूर करेगी। मुझे लगता है कि मिलाप जावरी फिल्म के निर्देशक मास फिल्में बनाते हैं और इसके लिए उन्हें कोई दुख भी नहीं है। जैसी फिल्में वह बनाते हैं मुझे उनकी धारणा बहुत पसंद है। ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट को पसंद है, ऐसा कहा जॉन अब्राहम ने। वही मिलाप इस बारे में कहते हैं कि पहले पार्ट को मिली गुडविल आपके लिए उत्साह और उम्मीद पैदा करती है। सिनेमा में ऊंचाई पाने के लिए ये बहुत जरूरी भी है। मुझे पता है कि इस बार ऑडियंस को दोगुना एक्शन, डायलॉग बाजी और हीरो पंक्ति देने वाले हैं। वहीं अक्षय राठी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीक्वल कोई जादू कर मास सिनेमा को वापस ला सकता है। अगर फिल्म ढंग से बनी है, लोग उससे नहीं जुड़ पाते तो वह नहीं चल पाएगी। धूम और मुन्ना भाई जैसी फिल्मों को सीक्वल चल पाने का कारण यही था कि लोग उनके किरदारों से जुड़ पाए और उन्हें अपने दिलों में जगह दी। इसके अलावा सीक्वल फिल्में और कुछ नहीं पेश कर सकती। बहरहाल सीक्वल को लेकर बहस तो चलती रहेगी। सबका अपना अपना नजरिया है फिल्मों के भागों को लेकर। गौरतलब है कि ऐसा ही एक सीक्वल जल्दी सिनेमाघरों में आने वाला है, जो कि है जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2। यह 13 मई को रिलीज किया गया। जयते को जानिए कहां मात खा गई है फिल्म। फिल्मों को लेकर दर्शकों की हमेशा एक सोच रहती, उनका एक सपना, अपना अपना नजरिया होता है जिसकी वजह से फिल्म का या तो नाम होता है या गुमनाम। पर अक्सर ही दर्शक अपनी प्रतिक्रियाओं को दुनिया के सामने नहीं रख पाते और उनका यह काम फिल्म क्रिटिक्स या रिव्यूअर करते हैं। फिल्म देखने के बाद ये अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं और आम जनता के लिए फैसला लेने का काम करते हैं, उन्हें वो फिल्म थिएटर में जाकर देखनी है या नहीं। ऐसी एक फिल्म सत्यमेव जयते 2018 में आई जिसने जॉन इब्राहिम और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिकाओं में थे। अब तक फिल्म के दूसरे भाग के आने की चर्चा है, तो आइए हम जानते हैं कि ओरिजिनल फिल्म को लेकर क्रिएटिव्स का क्या राय थी। नव भारत टाइम्स ने अपने एक रिव्यू में लिखा था, फिल्म में हाई बैकग्राउंड म्यूजिक, जरूरत से ज्यादा ड्रामा और बेशुमार एक्शन इसे कहीं कहीं थकाऊ बना देता है। फिल्म की शुरुआत में वीर जो जॉन इब्राहिम होते हैं, एक पुलिस वाले को जिंदा जला देते हैं। ये बाकी की फिल्म के लिए एक जमीन तैयार करती है और अगले 2 घंटे से ज्यादा समय तक फिल्म की जो ढेर पर चलती रहती है। वीर हर उस जगह पहुंच जाता है जहां कोई पुलिस वाला कोई अपराध कर रहा होता है। फिल्म के बीच में एक ट्विस्ट जरूर आता है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म का जो फोकस है भ्रष्टा वाले पुलिस वालों को आग के हवाले कर देने वाला रहता है। अब जो देशभक्ति के कुछ पाठ पढ़ाते हुए आगे फिल्म बढ़ती है। फिल्म के लिए देश पूरी भारी भरकम डायलॉग्स लिखे गए थे, लेकिन वो फिल्म में भारी पड़ गए। मनोज बाजपेयी और जॉन इब्राहिम के किरदार की लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन स्क्रिप्ट इसमें फेल हो गई। वहीं अमर उजाला ने लिखा, फिल्म में जिस तरह से करप पुलिस वालों को जलाकर मारने का संदेश दिया गया है, वो दर्शकों को कहीं न कहीं बिना लॉ एंड ऑर्डर वाले एक समाज की कल्पना की ओर ले जाता है जहां सिर्फ जंगल राज है। तो दमदार एक्टर जॉन इब्राहिम और मनोज बाजपेयी भी मिलकर इस फिल्म की भटकती कहानी को नहीं संभाल पाते। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, यह फिल्म बदलती और सच्चाई के पुराने तरीकों को बेचने की पूरी कोशिश करती है, पर कुछ चीजें फिल्म की जो बर्दाश्त कर पाना मुश्किल ही है। अगर जॉन इब्राहिम जैसे कलाकार पर्दे पर हों तो दर्शक एक्शन सीन्स की उम्मीद करते हैं, पर खून खराबे के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कहानी आज के समय के हिसाब से ठीक बैठती है, पर कहानी को पेश करने का अंदाज के कारण आप इस फिल्म को छोड़ना पसंद करेंगे। फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से तो लगता है कि क्रिएटिव्स जो है वो यह फिल्म खुद खास पसंद कर नहीं पाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्यमेव जयते 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है। क्या वह फिल्म इन क्रिएटिव को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगी?
आपको बता दें कि फिल्म का जो सीक्वल है इसी साल ईद के मौके पर 22 मई को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। इसमें जॉन अब्राहम, मनोज बाजपेयी और दिव्या कुमार खोसला दिखाई देंगे। धन्यवाद, मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में। हम आपको बताया था कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसके ईद पर आने की खबर थी। अब इस फिल्म को लेकर नई खबरें सामने आ रही हैं। फिल्म के मेकर्स और कास्ट ने फिल्म का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसके बारे में बताया। आपको बता दें कि इसके सीक्वल का नाम सत्यमेव जयते 2 रखा गया है, जिसमें जॉन अब्राहम तो है ही, उनके साथ दिव्या खोसला कुमार, राजीव पिल्लई और अनूप सोनी भी हैं। ये तो हमें पता ही है कि फिल्म सलमान खान की ईद पर रिलीज होने वाली है राधे के साथ क्लैश करने वाली, पर इस बीच लोगों को उम्मीद थी कि शायद सत्यमेव जयते के मेकर्स अपनी रिलीज को आगे टाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सलमान खान की फैन फॉलोइंग से पंगा नहीं लेना चाहेगा। अब ऐसे में जॉन ने फिल्म का एक नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए ये कहा है कि फिल्म अब 13 मई को रिलीज होगी, यानी उस दिन जिस दिन राधे आने वाली है। पोस्टर में जॉन अब्राहम डबल रोल में दिख रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है तो वहीं दूसरे किरदार में सादा कपड़ा, और पोस्टर पर है लड़ेंगे इस साल भारत माँ के लाल। उनके किरदारों के नाम सत्या और जय है, जिसके बारे में जॉन ने लिखा, इस ईद पर सत्या और जय के बीच की लड़ाई होगी, इस साल भारत माँ के दोनों लाल। इसी के साथ उन्होंने फिल्म की बाकी की कास्ट, डायरेक्टर मिलाप जावेरी और प्रोड्यूसर्स को भी टैग किया है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या ने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर जनवरी में ट्वीट करते हुए सलमान खान ने बताया कि राधे इसी साल ईद पर आएगी, हालांकि तब उन्होंने किसी तारीख के बारे में नहीं बताया था, पर अब हालिया ट्वीट में उन्होंने इसके रिलीज को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने लिखा, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे, क्योंकि एक बार जो मैंने फिल्म में उनके अलावा रणदीप हुड्डा, दिशा पाटनी और जैकी श्रॉफ भी हैं। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मुंबई सागा भी रिलीज के लिए तैयार है, जो मुंबई के 80s-90s के दौर की कहानी है, जब लोग मील्स बनकर मॉल्स और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की ओर बढ़ रहे थे। अब जब दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली है, ऐसे में ये देखना बाकी दिलचस्प होगा कि दर्शक किस फिल्म का ज्यादा पसंद करेंगे। दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी फैन फॉलोइंग के लिए काफी मशहूर, दोनों ही फिल्में एक्शन से भरपूर होने वाली हैं, यानी इस बार ईद पर दर्शकों को एक्शन और एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा। धन्यवाद। आखिर कब रिलीज होने जा रही है सत्यमेव जयते 2? जॉन ने कैसे किया धुआंधार ऐलान? क्या होने वाली इस फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। जॉन अब्राहम बहुत जल्द फिल्म सत्यमेव जयते 2 में नजर आने वाले हैं। फैंस इस फिल्म के लिए काफी उत्सुक है। इस बीच फिल्म की रिलीज की तारीख भी सामने आ चुकी है। जॉन अब्राहम ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके तारीख की जानकारी दी। आपको बता दें फिल्म ईद के मौके पे यानी कि 14 मई को रिलीज होने वाली है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट आज यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सामने आई है। जॉन अब्राहम ने देश का झंडा लिए अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने सफ़ेद रंग के कुर्ते के साथ सफ़ेद पगड़ी भी बांधी हुई है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, तन मन धन से बढ़कर जन मन गढ़। सत्यमेव जयते 2 की टीम की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। ईद के मौके पर 14 मई को मुलाकात होगी। मिलाप जावेरी इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको मनोज बाजपेयी समेत कई अहम किरदार नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें ये साल 2018 में आई सत्यमेव जयते का सीक्वल है।
फिल्म में इस बार आपको दिव्या खोसला भी दिखने वाली हैं। कुछ दिन पहले दिव्या ने भी इंस्टाग्राम पर जॉन के साथ अपनी पिक शेयर की थी, जिसमें कि वो सफ़ेद साड़ी पहनी नजर आई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जॉन अब्राहम ने कुछ समय पहले सत्यमेव जयते 2 का एक पोस्टर भी शेयर किया था, जिसमें लिखा हुआ था, जिस देश की मैया गंगा है वहाँ खून भी तिरंगा है। तो एक बार फिर से सबकी रगों में जोश दौड़ाने के लिए आ रही है सत्यमेव जयते 2, जो कि काफ़ी बेहतरीन फिल्म होने वाली है। इसके पहले पार्ट ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था बॉक्स ऑफिस पर, और अब जॉन सत्यमेव जयते 2 को लेकर तैयार है। वहीं आपको बता दें, ईद के मौके पर अगर ये रिलीज़ होती है तो इसका सीधा टकराव होगा राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई के साथ, यानी कि सलमान और जॉन की ज़बरदस्त भिड़ंत हमें ईद के मौके पर देख सकती है। और ऐसे टाइम पर ऐसा बॉक्स ऑफिस क्लैश मेकर्स को भी थोड़ी सी मुसीबत में डालता है, क्योंकि इस वक्त 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमाघर खुल रहे हैं। ऐसे में क्लैश होना वाकई जिगर वाली बात है कि ये क्लैश करा रहे हैं दोनों ही फिल्म के मेकर्स। वहीं आपको बता दें, जॉन अब्राहम बहुत सारी फिल्मों के साथ आपके सामने आएंगे इस साल भी। उनकी फिल्म आने वाली है मुंबई सागा, इसके अलावा वो पठान में एक कैमियो रोल भी करने वाले हैं, और उनकी एक फिल्म है अटैक, जिसमें कि वो जैकलीन के साथ नज़र आने वाले हैं। तो जॉन की फिल्म में पिटारे में बहुत कुछ खास है दोस्तों। फिलहाल आप बताइए, सत्यमेव जयते 2 का आपको कितना इंतज़ार है, और आपको क्या लगता है सल्लू और जॉन के क्लैश में कौन बाजी मार ले जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़। सत्यमेव जयते, क्या आपको भी इंतजार है जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्मों का? आइए जानिए उनकी 5 बेस्ट फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार के लिए क्यों बने थे जॉन? जब से बॉलीवुड की गलियारों में ये चर्चा है कि जॉन अब्राहम स्टारर और साल 2018 की बहुचर्चित फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल बन रहा है, तभी से लोगों के बीच में उसके दूसरे भाग सत्यमेव जयते को लेकर खासा उत्साह दिखने को मिल रहा है। इसका सबूत फिल्म की कास्ट और प्रोडक्शन कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखने को मिलता है, जहां आए दिन फैंस फिल्म के बारे में कुछ नया जानना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म इसी साल ईद के मौके पर थिएटर में रिलीज होगी। आइए उससे पहले हम आपको आज फिल्म में लीड वीर राठौर का किरदार निभा रहे एक्टर जॉन अब्राहम की कुछ और फिल्मों के बारे में बताते हैं, जहां उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से किरदार निभाए। जिस साल 2003 में जॉन अब्राहम ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जहां उनके साथ बिपाशा बासु, विनय पाठक, रणवीर शौरी और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार भी थे। यह फिल्म 1981 में आई हॉलीवुड मूवी बॉडी हिट ग्रोवर की तरह काफ़ी प्रभावित थी। कहानी एक शराबी वकील कबीर की थी, जो कि एक शादीशुदा लड़की सोनिया खन्ना के प्यार में पड़ जाता है। उसका पति रोहित खन्ना एक बहुत बड़ा उद्योगपति होता है। अपने प्यार के आगे कबीर किसी को नहीं सुनता और सोनिया को उसके पति से दूर करने के लिए भी राजी हो जाता है। कहानी में मोइन तब आता है जब उसे पता चलता है कि सोनिया उसे भी मारना चाहती है। फिल्म ने रातों रात जॉन को एक स्टार बना दिया था और इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक सेक्स सिंबल के रूप में होने लगी। धूम 2001 में आई फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस पर आधारित इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, ऐशा देओल और रिमी सेन मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट साबित हुए और बॉक्स ऑफिस पर भी उसने कमाल किया। कहानी चोर पुलिस के खेल की थी, जिसमें पुलिस एक गार्ड चोरी करने वाले व्यक्ति के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि आजकल सुपर बाइक्स, गाड़ियां और चोर पुलिस का खेल वाली फिल्में सबको पसंद आती है, इसलिए ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी। नेक्स्ट फिल्म थी गरम मसाला। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल, रिमी सेन, नेहा धूपिया और राजपाल यादव जैसे उम्दा कलाकार थे। ये एक कॉमेडी ट्रेजेडी मूवी थी। कहानी दो फोटोग्राफ्स की थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म में मोड़ तब आया जब अक्षय का किरदार एक साथ 3 लड़कियों से सगाई कर लेता है और उन्हें एक ही साथ अलग अलग जगह पर रखता है।
धीरे धीरे कैसे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और अंत तक दोस्त बन जाते हैं, यही इस फिल्म की खासियत भी है। वैसे कहा जा सकता है कि फिल्म में दोनों सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि अपनी हॉट बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्ताना, जॉन अब्राहम की बेस्ट फिल्मों में 2008 की इस बेहद ही सफल फिल्म का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड में ऐसे संबंधों को दिखाने का प्रयास करने वाली ये शायद पहली फिल्म थी, परंतु इस बात को भी गवारा नहीं जा सकता कि इसकी कहानी में दो लड़के थे सिर्फ नाटक कर रहे थे। एक लड़की नेहा के घर में किराए पर रहने वाले सैम और कुणाल दोनों ही खुद को गे बताते हैं। दोनों नेहा के प्यार में पड़ जाते हैं और चूंकि उसके रिश्तेदार लड़कों को उसके साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए वह खुद के लिए कपल का रोल साझा करते हैं। किरदारों के बीच कंफ्यूजन से भरी ये फिल्म काफी मजेदार है। नेक्स्ट मूवी है देसी बॉयज। 2011 की इस फिल्म में रोहित धवन ने निर्देशन किया था। फिल्म में जॉन के अलावा अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और चित्रांगदा सिंह भी थी। जेरी पटेल और निक माथुर दोनों साथ में लड़ रहे रहते हैं, जो अपनी जीविका के लिए अजीबोगरीब काम करते हैं, जबकि निक के पास उचित जॉब है, परंतु मंदी के दौरान दोनों ही बेरोजगार हो जाते हैं। अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों मेल एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ जाते हैं और बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं, पर इसके बारे में पता चलते ही निक की प्रेमिका उसे छोड़ देती है और जेरी भी अपना उद्देश्य पा नहीं पाता। अक्षय और जॉन की जोड़ी ने एक बार फिर स्क्रीन पर आग लगा दी। पर अगर आप भी जॉन अब्राहम के फैन हैं तो आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी, पर अगर किसी कारणवश आप नहीं देख पाए तो इनके बारे में मालूम ही नहीं था तो अब आप देख सकते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा बॉलीवुड के लिए खेल है। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस समय जब हर चीज को राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबाकर अपने फायदे का काम निकाला जा रहा है, जब हर कोई इसे पैसा कमाने का जरिया बना रहा है, तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे हट सकती है? आज हर दूसरा फिल्म मेकर देश या देशभक्ति से जुड़ी कहानी लाकर दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनकी फिल्में भी चल जाएं और देश से जुड़ी फिल्म बनाने के लिए उसकी वाहवाही भी हो। साल 2018 में ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सत्यमेव जयते, और जब से इसकी सीक्वल की खबरें बाजार में आई है तब से हर कोई इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। कुछ समय पहले ही फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया है, जिसमें लीड एक्टर जॉन अब्राहम और एक्ट्रेस दिव्या कोसला कुमार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म इस साल ईद के मौके पर 12 मई को रिलीज के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ईद के ही दिन सुपरस्टार सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म राधे भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस क्लैश के चलते किसका बॉलीवुड पर जादू चल बनता है। प्यू फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसका ऑफिशियल पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जिस देश में गंगा है वहाँ खून भी तिरंगा है। 12 में ईद 2021 #सत्यमेव जयते 2 सिनेमा घरों में। कास्ट और क्रू भी इस पोस्ट में टैग किए गए हैं। पोस्टर में जॉन पुलिस के किरदार और उसकी वर्दी पहने हुए काफी एंग्री लुक में नजर आते हैं, जिसमें वे अपनी शर्ट इस तरह फाड़ते दिखाई देते हैं कि वह देश का नक्शा बन रहा है और उनकी छाती पर तिरंगा बनती दिख रही है। पोस्टर में लिखा है, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। फिल्म के बारे में बात करते हुए जॉन ने कहा कि पिछली फिल्म का मकसद लोगों को मनोरंजन था। फिल्म के पहले पार्ट को ही कहानी देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और उसे वो स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और अब वह ये चाहते हैं कि दर्शकों को भी वह खूब बाने वाली फिल्म बनाए। सत्यमेव जयते 2 के जरिए हमारा मकसद वही है कि आज के समय में करते हुए कहानी लोगों को बेहद पसंद आए और उनका मनोरंजन भी हो।
फिल्म का दूसरा पोस्टर जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार दिख रही है, इसमें भी काफी इंटेंस लुक में दिख रही है। पोस्टर में उन्होंने सफेद रंग के सूट पहना है जिसके गले पर अशोक चक्र बना हुआ है और उनकी चुनरी से तिरंगा के रंगों में रंगा है। मैं सिर्फ एक्टिंग करने भर के लिए कोई फिल्म नहीं करना चाहती हूँ, मेरे लिए कहानी और किरदार बहुत महत्व है। इस फिल्म से मुझे वह मौका मिला है कि फिल्म के पहले भाग में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आयशा शर्मा नजर आई थी। फिल्म की शूटिंग लखनऊ शहर में हुई है। फिल्म को लेकर जो भी नई खबरें होंगी वो तो हम आप तक पहुँचा ही देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर, क्या होगा सत्यमेव जयते फिल्म का कास्टिंग, किस कॉन्सेप्ट में बन रहा है ये फिल्म, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूले। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 अपनी पूर्व घोषित तारीख से एक दिन पहले आने वाली है। बुधवार को निर्माताओं ने साझा किया कि फिल्म अब 13 मई 2021 को रिलीज होगी। इसका मतलब है कि सघन एक्शन ड्रामा में सलमान खान की राधे एक ही तारीख को रिलीज होगी। इससे पहले सत्यमेव जयते 2 14 मई 2021 को आने वाली थी, लेकिन ताज़ा खबर ये सुनिश्चित करेगी कि जॉन अब्राहम की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत घर स्थापित करने के लिए विस्तारित ईद के सप्ताह में एक ही दिन होगी। सत्यमेव जयते 2 2018 फिल्म का सीक्वल है। निर्देशक मिलाप जावेरी इस परियोजना में वापस आ गए हैं। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार की टी सीरीज और मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी की एम एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित इसमें गौतम कपूर, शाद रंधवाना, साहिल वेद, अनुप सोनी और अन्य भी शामिल है और दिव्या खोसला कुमार के अभिनय की वापसी करते हैं। सत्यमेव जयते 2 की टीम ने एक नया पोस्टर साझा करके संशोधित रिलीज की तारीख का खुलासा किया जो जॉन अब्राहम को खुद के खिलाफ खड़ा करता है, जहां वो एक पुलिस कॉप अवतार में है। वही दूसरा अपने ग्रे साइडेड का प्रतिनिधित्व करता दिख रहा है। अब्राहम के ट्वीट के अनुसार दोनों पात्रों का नाम सत्य और जय है। सत्यमेव जयते 2 महाराष्ट्र में पिछले साल गैर नियमन क्षेत्रों में फिल्म और टीवी शूट की सशर्त बहाली की अनुमति के बाद पहली फिल्मों में से एक थी जो सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। तो मोनिशा अडवाणी ने कहा था कि सिनेमा घरों का फिर से शुरू होना इस प्रकार की सामग्री के लिए उपभोक्ता की मांग का प्रमाण है। साथ ही साथ थिएटर मालिकों, स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं की सामूहिक लचीलापन भी है। हम अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पहुंचने के बारे में आशावादी है, विशेष रूप से सत्यमेव जयते 2 जो इस मई में सिनेमाघरों में अपनी तारीख रखने की उम्मीद करता है। सत्यमेव जयते 2 को लखनऊ में बड़े पैमाने पर शूट किया गया है। तो दोस्तों, आपका इस सत्यमेव जयते 2 फिल्म के बारे में क्या ख्याल है, हमें शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। क्यों आखिर फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई? क्या सलमान खान की आने वाली फिल्म हो गई है लीक? कौन से जबरदस्त सरप्राइजेस होने वाले हैं आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में? नमस्कार, बॉलीग्रेड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। सत्यमेव जयते के बाद अब 13 अगस्त को रिलीज होने जा रही है फिल्म सत्यमेव जयते 2 का क्लैश हो रहा है बॉलीवुड के भाई सलमान खान के ही अपकमिंग मूवी राधे के साथ। जी हाँ, जैसे हम बरसों से देखते आ रहे हैं कि भाई अपनी फिल्में ईद के दिन रिलीज करते आए हैं, वहीं आने वाली फिल्म राधे भी ईद के मौके पर रिलीज की जा रही है। जहां ऐसे में पहले खबर आ रही थी कि जॉन की सत्यमेव जयते 2 का क्लैश हो रहा है राधे के साथ। वैसे आपको बता दें, भाई की फिल्म फिलहाल थोड़े ट्रबल में है क्योंकि उनकी फिल्म राधे हो गई है लीक। ऐसे में जॉन की फिल्म के ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाली ईद उनके लिए खुशखबरी लेके आएगी।
क्योंकि जहां राधे मूवी हो गई है इंटरनेट पर लीक और फैंस को फिल्म ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही है, जिससे रिलीजिंग से पहले ही सलमान भाई की मुश्किलें बढ़ गई है और ऐसे में जॉन के लिए आसान हो गया है राधे को टक्कर देना। पर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कोविड के चलते अब फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फिल्म 13 अगस्त को हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सलमान भाई की फिल्म राधे की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। जहां फिल्म में जॉन संग दिव्या घोसला नजर आने वाली हैं, वहीं आप सबको एक धमाकेदार न्यूज से रूबरू करवाते हैं। जहां सत्यमेव जयते में सिजलिंग नोरा फतेही के आइटम डांस दिलबर ने जो ताबड़तोड़ हिट दिया, इस आइटम डांस ने जो 1990 में आई फिल्म सिर्फ तुम के गाने दिलबर, जिसमें सुष्मिता सेन को देखा गया था, उसी गाने का ये रिक्रिएशन हमें सत्यमेव जयते में देखने को मिला, जिसे डायरेक्ट किया था कोरियोग्राफर आदिल शेख ने। वहीं अब आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी हमें नौरा का जबरदस्त एक और आइटम डांस देखने को मिलेगा, जिसे इस बार भी आदिल शेख ही कोरियोग्राफ कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म में यानी धुआंधार सरप्राइजेस का पिटारा आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 को लेकर खबर आ रही थी कि जॉन इस फिल्म में डबल किरदार करते नजर आएंगे, पर अब इस बात पे पर्दा हट गया है और हम आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन डबल रोल में नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सत्यमेव जयते 2 के पोस्टर को देख के इस बात की आधी पुष्टि तो हो गई है कि बस रिलीजिंग के दिन इस बात की पूरी तसल्ली हो जाएगी। जॉन इस आने वाली फिल्म में फादर और उसके दो बेटे का किरदार करते दिखने वाले हैं। अब देखना होगा कि अपने ट्रिपल किरदार में क्या धमाल मचाएंगे जॉन आने वाली फिल्म से सत्यमेव जयते 2 से। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जॉन के इस ट्रिपल किरदार की न्यूज से कितने खुश हैं। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। दोस्तों, बॉलीवुड को मिलने वाला है नया पुलिस ऑफिसर। कौन है ये पुलिस ऑफिसर और क्या होने वाले हैं इसके पीछे की कहानी? अगर ये सब चीजें आपको जानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टी सीरीज के मुखिया भूषण कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन एब्राहम मुख्य भूमिका में है। सत्यमेव जयते 2 2018 फिल्म का सीक्वल है। इसमें जॉन एब्राहम एक पुलिस ऑफिसर का अवतार निभा रहे हैं और दोस्तों इसमें जॉन का डबल रोल भी है। वैसे तो इस फिल्म को मई में ही आना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे आगे धकेल दिया गया है। इसमें हमें जॉन के साथ साथ दिव्या खोसला भी दिखाई देने वाली है। दोस्तों, बॉलीवुड में आने वाली ये पहली पुलिस फिल्म नहीं है। हमारे कुछ ऑफिसर्स ने रैंक ही पुलिस ऑफिसर्स का स्टेटस बहुत हाई कर दिया है। आइए आज नजर डालते हैं बॉलीवुड के कुछ फेमस पुलिस ऑफिसर्स पर। दोस्तों, पहले नंबर पर निसंदेह है हमारा प्यारा सिंघम। जी हाँ दोस्तों, सिंघम एक सच्चा हैंडसम और ईमानदारी के राह पर चलने वाला पुलिस ऑफिसर। वाकई अजय देवगन ने इस इंस्पेक्टर की अपनी भूमिका के लिए पूरा न्याय किया, जो एक भ्रष्ट राजनेता पर हमला करता है। देवगन ने पूरी फिल्म को एक सख्त पुलिस के रूप में पेश किया, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। रोहित शेट्टी और देवगन का डायनामिक सहयोग हमेशा बॉक्स ऑफिस पर प्रभावी साबित हुआ है और सिंघम कोई अपवाद नहीं था और रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तूफान मचा दिया था। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है एनी गेसेस, नन अदर देन चुलबुल पांडे। जी हाँ दोस्तों, दबंग ये फिल्म, इसमें हमें कुछ अलग देखने को मिला। पुलिस वाला होकर भी उनका अनोखा अंदाज, नटखट चाले और उनकी डायलॉग बाजी लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इसमें स्वघोषित रॉबिन हुड ने उनके चरित्र के विभिन्न शेड्स दिखाए, चाहे वो प्रेम में रोमी हो या सब पुलिस वाला हो, हमारे पांडे जी हर रोल में जच रहे थे। दोस्तों, तीसरी फिल्म है सिम्बा। सिम्बा में रणवीर सिंह ने पहली बार इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। इसमें उनका भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से एक ईमानदार पुलिस में बदल जाना लोगों को काफी पसंद आया।
ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपने अपराधों से दूर नहीं जा सकता। रणवीर ने अपनी एनर्जी से कैरेक्टर में जान फूंक दी थी। दोस्तों चौथे स्थान पर पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म मर्दानी की। रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय नामक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने का शानदार प्रयास किया। इस फिल्म में उन्होंने साबित किया कि लक के झटकों के अलावा महिलाएं इन क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना सकती है, दुनिया के खिलाफ खुद के लिए लड़ सकती है। रानी एक बोल्ड और एक मजबूत किरदार निभाती है जो एक माँ बेटे की जोड़ी द्वारा चलाए जा रहे बाल तस्करी रैकेट के खिलाफ उनकी बैंड बजाती है। दोस्तों पांचवे नंबर पर भी पुलिस वाली ही है और ये मूवी है दृश्यम। तब वो एक पुलिस वाले और एक माँ की भूमिका निभाती है जिसने अपने बेटे को दृश्यम में खो दिया है। वह लगातार दो भूमिकाओं के बीच बेहद सहजता से आगे बढ़ती है और ट्रेन में उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने फिल्म में आईजी मीरा देशपांडे की भूमिका निभाने वाली किसी अन्य अभिनेत्री की कल्पना ही नहीं की होती। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। जी हाँ दोस्तों, राउडी राठौर। अक्षय कुमार अपने प्रशंसकों को प्रभावित करने और उनका मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होते हैं और ये फिल्म निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पर भीड़ का आनंद थी। दोस्तों राउडी राठौर चाहे थप्पड़ वाले संवाद हो या विचित्र डांस मूव्स हो, आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर थे। क्यों है ना दोस्तों? अब देखने की बात ये रहेगी कि इतने टफ कंपटीशन में हमारे जॉन एब्राहम सत्यमेव जयते 2 में कैसा पुलिस ऑफिसर निभाते हैं। दोस्तों हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इन सब फिल्मों में से फेवरेट पुलिस ऑफिसर कौन सा था। और हाँ, जाते जाते वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी छुटपटी चीजें आप। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, दोस्तों सत्यमेव जयते का आ रहा है दूसरा पार्ट। कौन है इसके सितारे और क्या है इसकी कहानी, अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों जॉन एब्राहम इज बैक ऑन द बिग स्क्रीन और इस बार वो हमें डबल रोल में दिखने वाले है। आइए और दिलचस्प बातें जानते हैं सत्यमेव जयते 2 इस फिल्म के बारे में। सत्यमेव जयते 2 एक आगामी एक्शन से भरपूर मनोरंजन है। एक सप्ताह पहले ये घोषणा की गई थी कि मिलाप जवेरी की सत्यमेव जयते 2 की रिलीज, जो सत्यमेव जयते फ्रेंचाइजी की दूसरी सीरीज है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दी गई है। मूल रूप से 13 मई को रिलीज होने वाली फिल्म को बाद की तारीख में ढकेल दिया गया है, जबकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। आइए सत्यमेव जयते 2 के कलाकारों पर एक नजर डालते हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जॉन एब्राहम मुख्य भूमिका में हमें देखने को मिलने वाले हैं। जॉन फिल्म में सत्या और जय के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे, जबकि सत्या एक पुलिस अधिकारी है, उसके अन्य चरित्र जय को सत्य की दास्ता होगी। पहले किसकी तरह जॉन एब्राहम की सत्यमेव जयते 2 एक सामूहिक फिल्म होगी जिसमें वो एक सजग व्यक्ति की भूमिका निभाएंगे जो अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ता है। भूषण कुमार की पत्नी और निर्माता दिव्या खोसला कुमार की फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही है। मॉडल से अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक ने 2004 में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में शुरुआत की। दिव्या ने अभिनय की अपनी पहली फिल्म से ब्रेक लिया और निर्देशक बनने पर ध्यान केंद्रित किया। दिव्या खोसला कुमार ने अपने निर्देशन की शुरुआत यारिया से की और बाद में फिल्म सनम रे का निर्देशन भी किया।
जॉन अब्राहम के सत्यमेव जयते 2 में मलयालम अभिनेता राजीव पिल्लई भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अभिनेता ने बॉलीवुड फिल्मों जैसे शकीला और कमाल धमाल मालामाल में भी छोटी भूमिकाएं निभाई है। अनूप सोनी टेलीविजन उद्योग में एक लोकप्रिय चेहरा है और सबसे प्रसिद्ध टीवी शो क्राइम पेट्रोल पर होस्ट होने के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता सत्यमेव जयते 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसी के साथ अभिनेत्री गौतमी कपूर सत्यमेव जयते 2 में भी दिखाई देंगी। वह कहते हैं दिल, घर एक मंदिर और परवरिश सीजन 2 जैसे धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शादी के साइड इफेक्ट्स और लेकर हम दीवाना दिलन फिल्मों में वो हमें दिखती थी। गौतमी आखिरी बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज के स्पेशल ऑप्स में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने के मेनन की पत्नी की भूमिका निभाई। दोस्तों, स्टार कास्ट तो दमदार लगती है। अब देखना ये होगा कि इन विभिन्न पात्रों का डायरेक्टर मिलाप जवेरी कैसे हमारे सामने पेश करते हैं। आपको क्या लगता है, ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक शब्द आपने ली थी अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शब्द मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। या मुजरिम नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्य के लिए लड़कर झूठ पर जय ले जाता है। दो टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। दोस्तों, कितना जानते हैं आप जॉन अब्राहम के बारे में और कब शुरू की थी उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता और पूर्व मॉडल है और उन्हें कई हिंदी भाषा की फिल्मों में देखा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉन अब्राहम कई सारे विज्ञापनों और कंपनियों के लिए मॉडलिंग करने के बाद उन्हें फिल्म जिस्म जो की में रिलीज हुई बेहतरीन फिल्मों में से एक है में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद उनकी पहली व्यावसायिक सफलता फिल्म धूम, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी, में अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिला था। फिल्म धूम कितनी बड़ी हिट रही थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाया था, यह कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म धूम और जिंदा में उनके द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन भी मिली थी और उन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जाने लगा था। या यूं कहें तो धूम के रिलीज होने के बाद ही जॉन अब्राहम को लोगों के बीच एक अलग सी पहचान मिली थी। इसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण सफलता फिल्म वाटर में मिली थी। उन्हें फिल्म बाबुल, जो कि वर्ष 2006 में रिलीज हुई थी, के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित भी किया गया था। जून में वर्ष 2005 की गरम मसाला और 2006 की टैक्सी नंबर 9211, 2008 की फिल्म दोस्ताना, 2009 की फिल्म न्यूयॉर्क, 2012 की सुपरहिट फिल्म हाउसफुल 2, 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेस 2, तो वहीं 2013 की शूटआउट एट वडाला को कोई कैसे भूल सकता है। उनकी बेमिसाल फिल्मों में वर्ष 2015 की वेलकम बैक,
2016 की डिशुम, 2013 की परमाणु और वर्ष 2018 की सत्यमेव जयते, जो कि एक बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता एवं सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। और फिलहाल इस फिल्म की दूसरी सीक्वल भी रिलीज होने जा रही है, जिसकी वजह से जॉन अब्राहम एक बार फिर काफी चर्चे में आ गए हैं। इस फिल्म का नाम सत्यमेव जयते 2 रखा जा रहा है और इस फिल्म में भी कई सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ दिव्या खोसला कुमार स्क्रीन शेयर करने जा रही है और हमें पूरी यकीन है कि जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी एक सुपरहिट होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सत्यमेव जयते ये फिल्म तो हम सभी ने देखी है, लेकिन अब इसका सीक्वल भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते पार्ट 2 आ रहा है। आइए आज आपको इस फिल्म के कुछ ऐसे अनसुने चीजों से वाकिफ कराती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जॉन अब्राहम अपनी माचो फिगर के लिए जाने जाते हैं। आज बॉलीवुड उद्योग के शीर्ष अभिनेताओं और निर्माताओं में से वे एक है। इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक पूरे करने के बाद जॉन ने सफलतापूर्वक दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है और उनका बहुत बड़ा फैन बेस तक है। अब्राहम ने महेश भट्ट की जिस्म के साथ बॉलीवुड में पदार्पण किया था। 2018 में मिलाप जवेरी के सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहम ने मुख्य किरदार निभाया। फिल्म में मनोज बाजपेयी और आयशा शर्मा को भी मुख्य भूमिकाओं में देखा गया। फिल्म का कथानक एक ईमानदार पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमता है जो एक चौकसी का शिकार करने की कोशिश करता है जो भ्रष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मार देता है। दोस्तों, फिल्म में 2 लेजेंड एक्टर्स हमें एक साथ देखने को मिले। शूट आउट एट वडाला के बाद मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम ने इस फिल्म के लिए फिर से एक साथ काम किया। दोस्तों, इस फिल्म का तो नाम ही काफी है, सत्यमेव जयते। लेकिन क्या आपको पता है फिल्म का शीर्षक मूल रूप से रखा गया था राख। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ ये 2018 की सबसे बड़ी शुरुआती फिल्म बन गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में हमें एक नया चेहरा देखने को मिला जो था आयशा शर्मा का। आपको बता दो, ये नेहा शर्मा की छोटी बहन आयशा शर्मा की डेब्यू फिल्म भी थी। ये फिल्म गोल्ड फिल्म से टकरा गई जो एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी और इसमें जॉन अब्राहम के अच्छे दोस्त अक्षय कुमार थे। फिल्म तो दोनों भी मस्त थे, क्यों है ना दोस्तों? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों में से आपको फिल्म कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। निर्माता फिल्म में शामिल देशभक्ति के कारण यू सर्टिफिकेट की तलाश कर रहे थे, हालांकि उन्हें हिंसा के कारण ए सर्टिफिकेट मिला। दोस्तों, बात जब फिल्म की आती है तो इसका फेमस आइटम नंबर दिलबर की बात छिड़ ही जाती है। हिट ट्रैक दिलबर दिलबर को नोरा फतेही अभिनीत एक आइटम नंबर के रूप में फिल्म के लिए बनाया गया था। गाना बहुत हिट हुआ दोस्तों, और आपको बता दूं फिल्म दिलबर दिलबर का गाना 2018 में भारत में साल का सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला गाना था। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हम राह देख रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। आशा करते हैं ये पार्ट भी उतना ही उम्दा होगा। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। सत्यमेव जयते की कौन से गाना ने अपनी धुन पर पूरी दुनिया को थिरकाया था और कैसे थे इस फिल्म के सारे गाने, किस तरह से नजर आ रहे हैं जॉन अब्राहम और दिव्या इसके सीक्वल के दूसरे पोस्टर में, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस गाने की जिसने सभी के होश और खबर को गुमशुदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्यमेव जयते की एटम सॉन्ग दिलबर की। इस गाने के नाम से ही नोरा फतेही की हॉटनेस का ख्याल आने लगता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते के एटम सॉन्ग यानी कि दिलबर में नोरा ने अपने जलवे बिखेरे थे। ये सॉन्ग उस साल की सबसे बड़ी हिट सॉन्ग बनी थी और इस सॉन्ग की सबसे ज्यादा व्यूज भी यूट्यूब पर आई थी। ये सॉन्ग नेहा कक्कड़ और ध्वनि भानुशाली द्वारा गाया गया है और ये सॉन्ग 3D वर्जन में गाया गया है। इस गाने की बेस इतनी कड़क है कि किसी को भी अपने धुन पर थिरका दे। और बात अगर नोरा फतेही की हॉटनेस की किया जाए तो उन्होंने इस गाने में जबरदस्त बेली डांस कर सभी को अपनी अदाओं से कायल किया था और सभी को अपने बेहतरीन डांस से आकर्षित किया था। नोरा ने मानो इस फिल्म में यह एटम सॉन्ग कर चारों चांद लगाने वाला काम किया है। उनकी हर एक अदा ने लोगों को अपना दीवाना बनाया है। नोरा बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन डांसर भी है जिसे उन्होंने इस गाने में साबित किया है। दिलबर गाने में एक लाइन है कि अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। नोरा का ये लाइन उनकी अदा को हम फैंस को उनको देखने के बाद का रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नोरा को इस गाने में बेहद ही हॉट डांस करते हुए देखने के बाद उनके फैंस के भी होश और खबर कहीं खो जाती है। और अगर कहीं ये आपको मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात सत्यमेव जयते 2 की फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इस फिल्म के 2 पोस्टर हमें देखने को मिला है जिसमें से एक में दिव्या खोसला अकेली नजर आ रही हैं और दूसरे में जॉन और दिव्या दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस फिल्म में दिव्या खोसला कुमार और जॉन अब्राहम लीड रोल में रहेंगे। दोस्तों जिस पोस्टर में दिव्या अकेली नजर आ रही है वह उसमें भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा के रूप में नजर आ रही है। बता दें कि उन्होंने एक प्लेन व्हाइट सूट पहना है जिसमें फ्रंट के टॉप में अशोक चक्र बना हुआ है। वहीं उनकी चुन्नी आकाश में लहरा रही है जो कि एक तरफ से सैफरन कलर की और दूसरी तरफ से ग्रीन कलर की नजर आ रही है। वहीं पोस्टर पर तिरंगे कलर में यह लिखा हुआ है कि तन मन धन से बढ़कर जन मन गन। दोस्तों यह लाइन सुनते ही किसी के भी अंदर में एक देशभक्ति की उमंग जग पड़ेगी। वहीं फिल्म की दूसरे पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर में जॉन एक पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर भगवान राम और मैया सीता की तस्वीर दुनिया को दिखाई थी उसी तरह से वे अपने यूनिफॉर्म को चीरते हुए तिरंगा को दर्शा रहे हैं जो कि किसी के भी मन में देश के प्रति एक नया प्रेम जगा दे और देशभक्ति की आग भड़का दे। वही दिव्या इस पोस्टर के बैकग्राउंड में उसी अंदाज और उन्ही कपड़ों में या यूं कहें तो उसी फोटो को दोबारा बैकग्राउंड में मर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे फिल्म से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आखिर कितना कमाई कर सकती है जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 और क्या है फैंस की इस फिल्म की घोषणा होते के साथ ही रिएक्शन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट लाए तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते के बारे में। दोस्तों बॉलीवुड में फिल्मों के बनने और रिलीज होने के पहले ही कई सारे अंदेशे और अनुमान लगने शुरू हो जाती है और बॉलीवुड के महान हस्तियों में से एक जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म सत्यमेव जयते भी इससे अछूती नहीं रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म की घोषणा होते ही लोगों द्वारा कई सारे अंदेशे अनुमान लगने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यह फिल्म का कितना होगा बजट और क्या होगी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन और क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी। वैसे अगर जॉन के फैंस की माने तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है और एक मोटी रकम कमाने वाली है। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते कितनी बड़ी हिट रही थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म को मिलाप जवेरी द्वारा
द्वारा निर्देशित किया गया था और इस फिल्म को जॉन ने ही लीड किया था। और सिनेफिलों की माने तो इस फिल्म की दूसरी सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर डबल धमाल मचाने वाली है। वैसे जॉन की पहले की फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्म मुंबई सागा ने भी अपने पहले वीकेंड में ही 83 लाख रुपए कमाए थे और टोटल कलेक्शन लगभग 14 करोड़ रुपए की हुई थी। हालांकि ये फिल्म उम्मीद पर खड़ी नहीं हुई। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म सत्यमेव जयते 2 के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। ये फिल्म ईद के मौके पर 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। मेकर्स ने अभी नई डेट का ऐलान भी नहीं किया। फिल्म की टीम ने आज सोशल मीडिया के जरिए रिलीज डेट आगे बढ़ाने की खबर दी। टीम ने लिखा है, इस संकट के समय जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की परवाह करते हुए हम अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 की तारीख निर्धारित समय से आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म से संबंधित आगे की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए 2 गज की दूरी तथा मास्क लगाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद। दोस्तों, कितना जानते हैं आप सत्यमेव जयते 2 की मुख्य अभिनेत्री यानी कि दिव्या घोसला के बारे में और कैसे उन्होंने किया बॉलीवुड में अपना डेब्यू? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीगार स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल व डायरेक्टर दिव्या घोसला के बारे में। दोस्तों, दिव्या घोसला कुमार मुख्य रूप से एक भारतीय निर्माता और निर्देशक है जो कि हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने विभिन्न विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है और कुछ संगीत वीडियोस में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने टी सीरीज, म्यूजिक लेबर और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के अध्यक्ष भूषण कुमार से शादी की थी। दिव्या ने 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और 20 साल की उम्र में वे मुंबई चली आई थी, जहां उन्हें बॉलीवुड में अपना ब्रेक मिला था और जहां उनकी मुलाकात भूषण कुमार से हुई थी। उन्होंने वर्ष 2004 में तेलुगु फिल्म लव टुडे से अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह मशहूर गायक फाल्गुनी पाठक के गाने में नजर आई थी और उसी वर्ष उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहली फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को किया था, जो कि बेशक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन इसके बाद दिव्या ने अभिनय से एक लंबा ब्रेक ले लिया था और ध्यान अपना निर्देशन पर केंद्रित कर दिया था और वे कई सारे विज्ञापनों को निर्देशित कर चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने यारिया फिल्म को भी डायरेक्ट किया था, जो कि काबिले तारीफ थी। फिलहाल वे अपने आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 के लिए काफी चर्चे में हैं, जिसमें वे मुख्य भूमिका को निभाने जा रही हैं और फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हैं। अब देखना यह है कि दिव्या इस फिल्म में क्या धमाल मचाती है और लोगों द्वारा उनका अभिनय कितना पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी इस फिल्म से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या है जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु के रिश्ते की सच्चाई? क्यों अलग हुई थी बॉलीवुड की यह हॉटेस्ट जोड़ी? क्या सच में जॉन ने दिया था बिपाशा को धोखा? एक जमाने में बॉलीवुड की हॉटेस्ट जोड़ियों में शामिल यह जोड़ी आज एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। फिर इनके साथ जो काम करना तो एक सपने जैसा ही रह गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक्स जोड़ी जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु की। फिल्म के सेट पर मिलने के बाद कब इनके बीच प्यार की शुरुआत हुई इन्हें भी पता नहीं चला। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इतने प्यार में होने के बावजूद 10 साल के लंबे समय तक साथ में रहने के बाद अचानक इनके रिश्ते में दरार क्यों आई? आइए आज हम आपको ये सब बातें आपको बताते हैं। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया, जिनके लिए उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा। वहां अपनी किस्मत आजमाने के बाद 2003 में आई फिल्म जिस्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म के सेट्स पर उनकी मुलाकात हॉट बिपाशा बासु से हुई, जिसके एक कुछ वक्त बाद ही उन्हें प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को भी लगभग खास पसंद करने लगा। ये भी अक्सर ही मीडिया के सामने PDA करने से पीछे नहीं हटते थे। कई फिल्मों में उन्होंने बेहद बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। कई सालों तक दोनों ने अफेयर्स की चर्चा बॉलीवुड की गलियारों में बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में न्यू ईयर पर जॉन ने न्यू ईयर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, इस साल आप सबकी लाइफ में प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। लव जॉन एंड प्रिया अब्राहम। कहा जाता है कि उन्होंने ये ट्वीट गलती से किया था, जिसमें उन्होंने अपनी NRI गर्लफ्रेंड प्रिया रुंचाल का नाम लिख दिया था।
इस बात का पता तब लगा जब बिपाशा को कि जॉन उनके लिए साथ रिलेशनशिप में होते ही प्रिया को भी डेट कर रहे थे और उन्होंने धोखा दे रहे। कहा जाता है कि इसी के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसी तरह लगभग 10 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद ये अलग हो गए। हालांकि उनके रिलेशनशिप या फिर ब्रेकअप के बारे में दोनों ने कभी भी खुलकर बात नहीं की। एक इंटरव्यू में दौरान बिपाशा ने यह जरूर कहा था, मुझे इस सदमे से निकलने में कई महीने लग गए थे, मेरे यकीन पर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जॉन का रिश्ता टूट गया था इस यकीन की वजह से और उनकी वजह से मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं अपना पूरा समय सिर्फ उसे ही देती थी, फिल्म करना बंद कर दी थी। और जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिपाशा उनसे शादी करके सेटल भी एक होना चाहती थी, जबकि जॉन उससे सिर्फ कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। खबरों के मुताबिक बिपाशा और जॉन एक साथ में जिम जाया करते थे, तभी वहीं प्रिया भी आया करती थी। उनसे मिलने के बाद जॉन को प्यार हो गया और 10 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि आज दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, जहां एक तरफ जॉन प्रिया के साथ शादी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बिपाशा की एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 में जॉन डबल रोल्स में नजर आने वाले हैं, जहां उनके किरदार के नाम सत्या और जय होंगे, जबकि उनके साथ फिल्म में दिव्या कुमार खोसला भी हैं, जो कई सालों बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं। जॉन की निजी जिंदगी को काफी चर्चा भी भरी है और अब उनकी आने वाली फिल्म किन चर्चाओं का हिस्सा बनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या कहना है आपका जॉन और बिपाशा की लव स्टोरी और उनके ब्रेकअप के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या जॉन अब्राहम को नहीं पसंद एक्शन करना? कॉमेडी में उन्हें क्या मजा आता है? क्यों नहीं लगता जॉन को टाइपकास्ट का डर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज बॉलीवुड में एक्शन और जॉन अब्राहम का नाम साथ में जोड़ा जाता है। एक्शन की शैली में आज उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। कभी चॉकलेटी बॉय की इमेज रखने वाले जॉन आजकल एक्शन में भी नए अवतार दिखाते रहे हैं। धूम, फोर्स, शूटआउट एट वडाला, रॉकी हैंडसम और सत्यमेव जयते जैसी कई फिल्मों में वो अपने हटकर मूव्स दिखा चुके हैं। लगातार कई फिल्मों में एक्शन करने के बाद भी उनकी हर फिल्म अलग लगती है। ऐसा लगता है जैसे जॉन को एक्शन से प्यार हो गया है या उन्हें एक्शन हीरो कहलाना पसंद आने लगा है। मानो कि अगर किसी फिल्म मेकर को एक्शन फिल्म बनानी होती है तो जॉन उनके लिए एक सेफ चॉइस की तरह है। गौरतलब है कि अपनी आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी वो पावर पैक्ड एक्शन करते दिखेंगे, जिसमें उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी हैं। एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मेरे शरीर की वजह से मुझ पे नेचुरल एक्शन आ जाता है। देखा जाए तो मेरी हालिया रिलीज कई फिल्मों में एक्शन से जुड़ी हुई है, पर फिर भी एक दूसरे से अलग है। बात करें अलग होने की तो हर तरफ वेलकम बैक जो एक कॉमेडी फिल्म थी उसमें काफी हल्का और मजाकिया एक्शन था, वहीं दूसरी ओर रॉकी हैंडसम में एक्शन की भरमार थी। डिशुम में स्टाइल वाला एक्शन था तो सत्यमेव जयते में गलत होकर सही दिखने वाला एक्शन, जिसने बॉलीवुड को एक्शन को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। इतना सारा एक्शन और मार धार देख कर किसी को भी लगेगा कि जॉन को एक्शन शैली की फिल्में करना पसंद है या ये उनका पसंदीदा जॉनर है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सच नहीं है। उनको एक्शन के विपरीत कॉमेडी पसंद है। इसके बारे में उन्होंने कहा था, मुझे कॉमेडी पसंद है। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरी सभी कॉमेडी फिल्मों ने कमाल का काम किया है, फिर चाहे वो हाउसफुल 2 हो, दोस्ताना हो या देसी बॉयज, वे सब सुपर हिट रही हैं। अक्सर ही बॉलीवुड में ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टर एक ही तरीके की फिल्में करता रहे तो उसे टाइपकास्ट कर दिया जाता है, पर सबकी सोच से उलट जॉन का सोचना है कि आप इस बात का भी फायदा उठा सकते हो। उनका मानना है कि अगर आप जरा सी कॉमेडी के साथ एक एक्शन फिल्म बनाए तो वो बेशक ही हिट रहेगी। अगर कोई स्टार एक जैसी ही फिल्में करने लगे तो दर्शक भी ऊब जाते हैं और हर फिल्म के साथ कुछ नया करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बात अगर एक्शन की हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो मेकर्स हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि वो पिछली फिल्म से हटकर बढ़कर और ओवर द टॉप जाकर कुछ दिखा पाएं, और उस समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो ओवर द टॉप ना लगे। जॉन का कहना है कि बॉलीवुड में या तो आप सिर्फ एक एक्शन हीरो हो सकते हैं, या सिर्फ एक रोमांटिक हीरो, या फिर सिर्फ एक डांसिंग हीरो। अब इन सब बातों को सुनकर पढ़कर तो ये देखना बेहद ही रोचक होने वाला है कि कॉमेडी प्रेमी जॉन सत्यमेव जयते 2 में अपने एक्शन वाले किरदार से कितना न्याय कर पाते हैं, आप उनकी इस बात से कितना सहमत है और कितना नहीं, और आपको जॉन कौन से अवतार में ज्यादा पसंद है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शब्द आपने ली थी,
अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। आम मुजरिम नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, झूठ पर जय ले जा रहा है। दो टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। हुई जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी की, क्या जॉन बिपाशा को धोखा दे रहे थे, क्यों की थी जॉन ने छिपकर शादी, क्या है जॉन और प्रिया के अलग होने की कहानी। बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपने अकेले दम पर नाम कमाने वाला ये कलाकार आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है, साथ ही आने लुक्स पर ये सभी को कायल करने का दम भी रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते फेम एक्टर जॉन अब्राहम की। जॉन अपनी फिल्मों और दमदार पर्सनैलिटी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जितना वो प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्ट है, वैसे ही वे पर्सनल लाइफ में भी है। उनकी वाइफ प्रिया रुंचल एक बैंकर है और दोनों की जोड़ी एकदम बिंदास है। हालांकि इनकी लव स्टोरी भी कमाल की है, तो आइए आज जॉन की निजी जिंदगी और शादी से जुड़े कुछ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात तो सभी को पता ही है कि जॉन बिपाशा बासु के साथ 10 साल के लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह चुके थे और इनका रिश्ता भी किसी से भी छुपा नहीं था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जॉन और प्रिया बहुत कम समय में एक दूसरे से मिले और जॉन ने उन्हें प्रपोज किया, जिसके कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, मगर ऐसा कतई नहीं है। जॉन के एक खास के अनुसार प्रिया बहुत पहले ही उनकी जिंदगी में आ चुकी थी। दरअसल 2010 में जब जॉन और बिपाशा साथ में बैंड्रा के एक जिम में वर्कआउट करते थे, तब प्रिया भी उसी जिम में आती थी। दोनों एक दूसरे को बस जानते थे, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। उनके बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई, लेकिन बिपाशा ने इससे जुड़ी किसी भी अफवाह पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जॉन ने प्रिया से दिसंबर 2013 में शादी कर ली, जिसके बारे में मीडिया तक को भी कोई खबर नहीं लगी। इसकी जानकारी खुद जॉन ने ट्विटर के जरिए 2014 में दी थी। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को काफी गुप्त रखा। बता दें कि प्रिया भी काफी प्राइवेट किस्म की है, इसलिए बॉलीवुड की कम ही पार्टीज में वे दिखाई पड़ती है। उन्हें अपना काम और जिंदगी शांति से जीना पसंद है। प्रिया और जॉन की शादी को लगभग 6 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि बीच में इनके बीच अनबन होने की खबर भी आई थी, जिसे बाद जॉन ने खुद मीडिया में इसे अफवाह बताया। खैर, हम दुआ करते हैं कि जॉन की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे और वे हमें इसी तरह सुपरहिट फिल्में देते रहे। गौरतलब है कि जॉन जल्द ही 2018 की फिल्म सत्यमेव जयते के दूसरे भाग में नजर आने वाले हैं, जिसमें वे हमें डबल रोल्स में दिखेंगे। मिलाप जाफरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी है। बहरहाल, उनके गुप्त शादी और प्यार की शुरुआत वाली वो कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बता। एक शपथ आपने ली थी इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। लगभग 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। We'll be right back.
नजर आने वाले हैं फिल्म सत्यमेव जयते के दूसरे सीक्वल यानी कि सत्यमेव जयते 2 में। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के वीडियोस को लाएं तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के दूसरे सीक्वल यानी कि सत्यमेव जयते 2 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यमेव जयते 2 एक आगामी हिंदी भाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और यह फिल्म मिलब जवेरी द्वारा लिखी और टी सीरीज और डबल ए फिल्म्स द्वारा निर्मित की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म सत्यमेव जयते अन्याय के खिलाफ और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बनी एक फिल्म थी और सत्यमेव जयते उसी की दूसरी कड़ी है। दोस्तों, इस फिल्म में एक बार फिर जॉन अब्राहम ही मुख्य भूमिका को निभाने वाले हैं और उनके साथ दिव्या खोसला जो कि एक डायरेक्टर भी है इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। और इन दोनों के अलावा इस फिल्म में राजीव पिलाई और टीवी एक्टर व प्रसिद्ध व लोकप्रिय एंकर अनूप सोनी भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म ईद के दौरान 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली है और ये फिल्म एक सुपरहिट होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर। तो आखिर ऐश्वर्या राय ने क्यों उठाई तलवार, एक्शन सीन्स के लिए कितनी मेहनत करती हैं ये हीरोइंस, मैरी कॉम के किरदार के लिए किस किस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था प्रियंका चोपड़ा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो बॉलीवुड के किसी भी एक्शन फिल्म का नाम लेते ही हमारे सबके दिमाग में एक्शन हीरो का नाम ही सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारी क्लासिक हिंदी फिल्मों में अधिकतर यही दिखाया गया है कि एक्शन तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और लड़कियां हमेशा अबला ही होती हैं। पर आजकल ऐसा नहीं है। आज के समय में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें लीड रोल में हीरोइन होती है और कई एक्शन फिल्मों में वो मार धाड़ भी करती नजर आती है। कई हीरोइन है जिन्होंने एक मापदंड को तोड़ा है और अपनी एक अलग जगह लोगों के दिलों में बनाई है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्में और एक्शन हीरोइंस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पहली आती है सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा। एआर मुरुगादास द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए सोनाक्षी को बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। फिल्म में उनका किरदार अकीरा एक भ्रष्ट पुलिस अफसर राणे अनुराग कश्यप से बदला लेने निकला है। उनके द्वारा किए गए एक्शन सीन्स लाजवाब है जिनमें उनकी ट्रेनिंग की मेहनत का असर दिखता है। दोस्तों, उनके द्वारा निभाया गया कोई भी एक्शन सीन फेक या जबरदस्ती डाला हुआ नहीं लगता। दूसरी आती है प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम। बॉक्सर मैरी कॉम की असल जिंदगी पर बनी इस फिल्म में प्रियंका ने टाइटल रोल निभाया था। किंग बॉक्सिंग करते हुए अपना किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं है, पर प्रियंका चोपड़ा ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। मैरी कॉम के रोल में ढलने के लिए उनके जैसे टेक्निक के लिए उन्हें बहुत ही कड़े फिटनेस के शासन से गुजरना पड़ा था। इसके लिए वो मीलों तक दौड़ी, स्टंट ट्रेनिंग ली, बर्फीले मौसम में पुशअप्स की और बॉक्सिंग भी सीखी। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस भी देखने लायक थी। एक बॉक्सर के रूप में वो कहीं भी फीकी नहीं पड़ती दिखी। तो दोस्तों, हमारी तीसरी फिल्म आती है माधुरी दीक्षित की गुलाब गैंग। पिछले जमाने के कई सॉफ्ट रोल्स, फैमिली ड्रामा और सीधी सादी लड़की वाले किरदार निभा चुकी माधुरी फिल्म में कुंग फू करती दिखती है। इसके लिए उन्होंने शाओलिन कुंग फू की कड़ी ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद वो बिना हथियारों के भी लड़ती देखी गई। खूबसूरती से नाचने वाली माधुरी मार्शल आर्ट बड़ी आसानी से कर सकती है, ये इस फिल्म में दिखा था। तो दोस्तों, हमारी अगली फिल्म आती है ऐश्वर्या राय बच्चन की जोधा अकबर। तो दोस्तों, फिल्म में जोधा बाई के किरदार में नजर आकर पहले ही ऐश्वर्या ने लोगों को दीवाना बना दिया था, पर फिल्म में एक और खास बात थी जो कि थी उनके द्वारा किए गए एक्शन सीन्स। तलवारबाजी करती दिखी ऐश्वर्या ने बेशक ही इसकी ट्रेनिंग ली होगी, फिल्म में वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह तलवार घुमाती है जो किसी को भी डरा दे। तो दोस्तों, बॉलीवुड में एक्शन सीन्स करती है एक्ट्रेस वाकई में दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। अगर आप भी ऐसी ही किसी एक्ट्रेस से प्रभावित हुए हैं तो हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन है आयशा शर्मा, क्यूट रोल हुई नेहा शर्मा की बहन, आधी शूटिंग के बाद क्यों छोड़ दी थी उन्होंने नमस्ते लंदन। मैं प्रियंका, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा एक मॉडल भी हैं। जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते में नजर आ चुकी है आयशा शर्मा, एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन। आइए आज हम आपको बताते हैं अपनी बोल्ड फोटोज और सेक्सी जिम वियर को लेकर चर्चा में रहने वाली आयशा के बारे में कुछ बातें। आयशा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन है। उनका जन्म 24 जनवरी 1989 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने दादा दादी के साथ दिल्ली में बिताया। उसके बाद उन्होंने एमटी स्कूल में बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके पिता अजीत शर्मा भागलपुर के एक नामी नेता और कांग्रेस के मेंबर थे। अपनी ग्रेजुएशन के
पढ़ाई के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस फील्ड में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत ही कम उम्र से मॉडल बनने की इच्छा रखती थी और बाद में अपनी माँ के सहारे से इंजीनियरिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी शुरू की। मॉडलिंग में उन्होंने अपना डेब्यू 2014 में लैक्मे से किया, जहाँ उन्हें फैंस ऑफ लैक्मे में नवाजा गया। रॉयल चैलेंज के लिए भी वो मॉडल रह चुकी है, पेप्सी, कैडबरी, फाइव स्टार जैसे ब्रांड्स के लिए भी काम कर चुकी है। और तो आयशा 2016 में किंगफिशर टैलेंटेड गर्ल भी रह चुकी है। उन्हें जिम करना बहुत भाता है और वे अपने स्ट्रेंथ को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। वो एक ट्रेंड का डांसर भी है। इसके अलावा उन्हें हॉप, साल्सा और जैज़ जैसे डांस फॉर्म्स भी याद है। बात करें अगर उनके लुक की तो उनके लुक बहुत खास है, बिल्कुल अपनी बहन जैसे। अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो वहाँ कई बोल्ड फोटोज हैं। आयशा एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी रखती है और सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव भी रहती है। हालांकि वे अधिकतर रिजेक्ट हुई होती है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्हें पूरा जगन्नाथ की फिल्म रफ में मौका मिला, परंतु डेट इश्यूज के चलते उन्होंने एक शेड्यूल की शूटिंग के बाद फिल्म छोड़ दी। ऐसा ही कुछ फिल्म नमस्ते लंदन के साथ हुआ, जिसे उन्होंने किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दिया था। और आखिरकार उन्हें जॉन अब्राहम स्टारर 2018 की सत्यमेव जयते मूवी से अपना डेब्यू करने का मौका मिला और उनकी काफी सराहना भी हुई। उनकी फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसी के साथ शाहरुख खान उनके पसंदीदा एक्टर्स हैं। अपनी पहली फिल्म के पोस्टर्स लॉन्च के बाद उनके लुक्स को कैटरीना कैफ से मेल खाता हुआ भी बताया गया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस को ट्रोल करना कोई नई बात नहीं है, अक्सर ही उन्हें उनके कपड़े, खान और तमाम चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ आयशा के साथ, वे अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल भी की जा चुकी है। एक पार्टी में वो पारदर्शी ड्रेस पहने घर पहुंची, उनकी इस ड्रेस को लेकर जमकर ट्रोल किया गया। बर्थडे पार्टी में हॉट बैकलेस मोनोक्रॉम जब सूट में पहुंची, फुल ड्रेस के लिए ट्रोल हुई आयशा से कहा गया था कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है। उन पर बर्थडे कमेंट्स किए गए थे, हालांकि उन्होंने इन बातों को कर। किस फिल्म में कंगना रनौत ने निभाया था डबल रोल? आमिर खान के डबल रोल वाली इस फिल्म में क्या कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर? ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम साथ सत्यमेव जयते 2 में वह दर्शकों को डबल रोल में नजर आने वाली हैं। पर यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में कोई एक्टर डबल रोल में देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार कई एक्टर एक से ज्यादा रोल्स में नजर आकर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी कुछ एक्ट्रेस और उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल्स वाली फिल्मों पर। प्रेम रतन धन पायो। बॉलीवुड के भाई जॉन कहलाने वाले सलमान खान को फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला माना जाता है। दबंग खान हर किरदार में दर्शकों को पसंद आते हैं। फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर भी कुछ ऐसी ही था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें उन्होंने प्रेम और युवराज नाम के दो बिल्कुल ही अलग तरीके के किरदार निभाए थे। क्रिश 3। ऋतिक रोशन स्टार क्रिश को बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो कहा जाता है। इस सीरीज में सभी फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद की। बच्चों में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिला था। ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीसरे भाग में कृष्ण और रोहित नाम के दो किरदार निभाए थे। इस फिल्म के 240.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कंगना रनौत ने फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में डबल रोल किया था। उन्होंने दोनों ही किरदारों में बेहतरीन अभिनय किया था। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के कई ऐसे डायलॉग हैं जो कंगना के कई फैंस को आज भी याद होंगे। इस फिल्म ने 152 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें उन्होंने तनु और कुसुम नाम के किरदार निभाए थे। धूम 3। धूम सीरीज की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई और इन फिल्मों में एक्शन और रोमांस का कॉकलेट जो है दर्शकों को खूब पसंद आया। इसमें आमिर खान ने समर और साहिर नाम के किरदारों का डबल रोल निभाया था। आमिर को दोनों रूप से दर्शकों ने पसंद किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। गौरतलब है कि जॉन फिल्म में सत्य और जय नाम के दो किरदारों में दिखेंगे। अब इस किरदार में दर्शकों को भाने वाले हैं, ये तो फिल्म की रिलीज डे ही पता चलेगा। इनमें से अपनी फेवरेट मूवी हमें आप कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइए और जॉन की अगली फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं यह भी बताना मत भूलिएगा। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग। कौन है ये एक्टर जिसने शादी के बावजूद अपनी पत्नी को दिया धोखा? कौन है जिसने अपने बच्चों को अपनाने से किया इनकार? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज में। टेलीविजन पर सबको सतर्क रहने के लिए बोलने वाले अनूप सोनी आज टीवी पर एक बड़ा नाम है।
कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुके अनूप ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उनकी ग्लैमरस लाइफ से अलग उनकी एक पर्सनल लाइफ है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। 30 जनवरी 1975 को लुधियाना में जन्म में अनूप सोनी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी है। अनूप ने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म गॉडफादर से की। इसके बाद उन्होंने फिजा, दीवानापन, खुशी, शीन और कर्कश जैसी फिल्मों में काम किया। पर बड़े पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाले अनूप को सिल्वर स्क्रीन पर कोई खास सक्सेस नहीं मिली। बाद में उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, बालिका वधु जैसे तमाम धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने कई पॉपुलर शोज में काम किया है, कॉमेडी सर्कस, शांति, रात होने को है, कहानी घर घर की, रेमिक्स, बियोमिक्स, बक्सील, तहकाकात, आहट जैसी कई शोज पे भी उन्होंने काम किया है। उनका डायलॉग सावधान रहिए, सतर्क रहिए काफी चर्चित हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनूप ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी रितु सोनी से हुई। CBSE पुणे में मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करने वाली रितु फिलहाल एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हैं। दोनों के दो बच्चे भी हैं और साल 2010 में दोनों ने तलाक भी ले लिया। अनूप सोनी ने अपनी पहली पत्नी को रिश्ते में धोखा दिया था और उसके बाद दूसरी शादी की, जिसके बाद खबर थी कि उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ रखने से मना कर दिया था। बेहद कम ही लोग जानते हैं वो राज बब्बर के दामाद भी हैं। उनकी बेटी जूही से अनूप ने शादी की है। अनूप और जूही की बात करें तो उनकी मुलाकात एक जुट थिएटर ग्रुप के जरिए हुई। दोनों नादिरा बब्बर के प्ले में साथ काम कर रहे थे। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी बेहद सादे ढंग से दोस्तों और करीबियों के मौजूदगी में हुई। अनूप के साथ जूही की भी दूसरी शादी थी। अनूप से पहले जूही ने बिजोय नामियार से शादी की थी, लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए। आज अनूप और जूही का एक बेटा ईमान है। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव में भी अनूप सोनी को देखा गया। इस सीरीज को लेकर वैसे काफी बवाल मचा था, यहाँ तक कि कई स्टेट में इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की खबरें भी सामने आई थी। गौरतलब ये है कि अनूप सोनी ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 में खास रोल में नजर आने वाले हैं। सकता है सत्यमेव जयते 2 का बजट? अक्षय की फिल्म हॉलीडे से क्यों तुलना हुई फिल्म की? फिल्म मुंबई सागा और सत्यमेव जयते 2 का क्या है रिश्ता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको बताया था कि जॉन अब्राहम जल्द ही 2018 की रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते के सीक्वल सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगे, जिसमें वो हमें डबल रोल्स में दिखेंगे और इसमें उनके साथ कई सालों बाद फिल्मों में वापसी कर रहे दिव्या खोसला कुमार भी हैं। जॉन के डबल रोल्स वाली इस फिल्म में उनके नाम सत्या और जय होंगे, जो भारत के लिए अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉलीवुड में यह अक्सर देखने को मिलता है कि किसी फिल्म की रिलीज से कहीं पहले से ही उससे जुड़ी अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जहां फैंस से लेकर दर्शकों और फिल्मी पंडित तक सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लग जाते हैं। और सबसे अधिक अगर किसी बात की चर्चा होती है तो वो है फिल्म के बजट और उसकी अंदाजन कमाई की। फिल्म से जुड़े ऑफिशियल सोर्स फिल्म के बजट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करते, पर लोग खुद से ही इसका अंदाजा लगा लेते हैं, तो हम भी पीछे क्यों रहे। आइए आज हम भी फिल्म के बजट और इसकी होने वाली अंदाजन कमाई के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें जॉन की इस फिल्म के पहले भाग सत्यमेव जयते की, तो मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित वो फिल्म 38 करोड़ के बजट में बनी थी। वहीं अगर हम देशभक्ति फिल्मों की बात करें तो ऐसी फिल्मों में महारत हासिल कर चुके अक्षय कुमार की फिल्मों का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। 2014 में रिलीज हुई उनकी फिल्म हॉलीडे भी कुछ इसी तरीके की कहानी पर आधारित थी, जहां अक्षय का किरदार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते देखा जाता है। इस फिल्म का बजट तब 50 करोड़ था, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। वहीं अगर जॉन की हालिया रिलीज मुंबई सागा की बात करें तो इसका बजट भी 50 करोड़ था, यानी जॉन कम बजट की फिल्में ज्यादा करते हैं।
अगर ऐसे में सत्यमेव जयते 2 के बजट की बात करें तो ये 50 से 70 करोड़ के बीच का हो सकता है। अगर हम इस फिल्म की कमाई की बात करें तो सत्यमेव जयते ने 100 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि फिल्म अक्षय कुमार स्टारर गोल्ड के साथ क्लैश हुई थी, जिसके कारण हो सकता है कि फिल्म ने उम्मीद से कम कमाई की हो। और ऐसे ही कुछ इस बार दूसरे भाग के साथ भी हो रहा है। ये फिल्म भी सलमान खान के राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ क्लैश हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर जॉन स्टारर पर ही पड़ेगा, क्योंकि सलमान की फिल्म तो बिना किसी प्रमोशन के भी 300 करोड़ की कमाई कर सकती है। हॉलीडे ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ कमाई की थी, जो अपने बजट से कहीं ज्यादा थी। जॉन की फिल्म मूवीसागा तो अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है और लगभग 22 करोड़ की कमाई अभी तक कर चुकी है। ऐसे में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर सब सही रहा और फिल्में सिनेमा घरों में ही आई तो जॉन की आगामी फिल्म 100 करोड़ की कमाई तो कर ही लेगी। ये तो बात रही हमारे अनुमानों की। अगर आप भी हमारे अंदाजों से सहमत हैं तो अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। किस फिल्म में कंगना रनौत ने निभाया था डबल रोल? आमिर खान के डबल रोल वाली इस फिल्म ने क्या कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर? ईद पर आने वाली जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 में वो दर्शकों को डबल रोल में नजर आने वाले हैं। पर ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में कोई एक्टर डबल रोल में दिखने वाला है। इससे पहले भी कई बार कई एक्टर्स एक से ज्यादा रोल्स में नजर आकर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल्स वाली फिल्मों पर। प्रेम रतन धन पायो। बॉलीवुड के भाईजान कहलाने वाले सलमान खान को फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला माना जाता है। दबंग खान हर किरदार में दर्शकों को पसंद आते हैं। फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर भी कुछ ऐसा ही था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें उन्होंने प्रेम और युवराज नाम के दो बिल्कुल ही अलग तरीके के किरदार निभाए थे। क्रिश 3। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश को बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो कहा जाता है। इस सीरीज की सभी फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद की। बच्चों में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता था। ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीसरे भाग में कृष्णा और रोहित नाम के दो किरदार निभाए थे। इस फिल्म ने 240.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कंगना रनौत ने फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में डबल रोल किया था। उन्होंने दोनों ही किरदारों में बेहतरीन अभिनय किया था। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म के कई ऐसे डायलॉग हैं जो कंगना के कई फैंस को आज भी याद होंगे। इस फिल्म ने 152 करोड़ का बिजनेस किया था। इसमें उन्होंने तनु और कुसुम नाम के किरदार निभाए थे। धूम 3। धूम सीरीज की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई है। इस फिल्मों में एक्शन और रोमांस का कॉकटेल दर्शकों को खूब पसंद आया। इसमें आमिर खान ने समर और साहिर नाम के किरदारों का डबल रोल निभाया था। आमिर को दोनों रूप में दर्शकों ने पसंद किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। गौरतलब है कि जॉन फिल्म में सत्या और जय नाम के दो किरदारों में दिखेंगे। अब वो किस किरदार में दर्शकों को भाने वाले हैं? ये तो फिल्म की जब बॉलीवुड ने लड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जानी बॉलीवुड की भ्रष्टाचार से भरी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीकास्ट स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो हमने आपको बताया था कि जॉन इब्राहिम और दिव्या कुमार खोसला स्टारर सत्यमेव जयते 2 इसी साल ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होने वाली है। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म में जॉन डबल रोल में दिखेंगे और इसकी कहानी भ्रष्टाचार और गलत के खिलाफ लड़ाई और इंसाफ के इर्द गिर्द होगी। आइए आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी
ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है। दोस्तों पहली आती है गब्बर इस बाग और ये फिल्म 2015 में बनी थी और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अक्षय कुमार और श्रुति हसन स्टारर ये फिल्म मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ मिलकर किए जा रहे भ्रष्टाचार को दिखाती है। फिल्म शोले में जहां गब्बर को विलन दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म में गब्बर बने अक्षय कुमार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भ्रष्ट पुलिस वालों को मारते हैं। फिल्म के अंत में वो शोले का बहुत चर्चित डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया भी बोलते हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म सुपरहिट रही थी। दूसरी आती है रंग दे बसंती। ये फिल्म 2006 में बनी थी। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान, सिद्धार्थ नारायण, सोहा अली खान, कुणाल कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी और अतुल कुलकर्णी जैसे सितारे थे। फिल्म देश के युवाओं की कहानी है जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। अपनी बढ़िया कहानी, कास्ट और गाने के चलते फिल्म सुपर हिट रही थी। अब तीसरी फिल्म आती है गंगाजल जो 2003 में आई थी। अब आप इसको कहां देख सकते हैं? तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, ग्रेसी सिंह और मुकेश तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म एक ईमानदार और हिम्मती पुलिस वाले और उनके आदर्शों को और लोकल डॉन और उसके बेटे के खिलाफ उनकी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। एक नए जिले में हाल ही में पोस्ट हुए एसपी अमित कुमार को जब वहां के डॉन और हुकूमत का पता चलता है तो वो भी रुकता नहीं है। तो दोस्तों हमारी चौथी फिल्म आती है उंगली जो कि 2014 में बनी थी और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब कहानी एक गैंग के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को उंगली गैंग कहकर पुकारती है। रेंसल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त, इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत, नील भूपला, मंगत बेदी और महेश मांजरेकर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। कहानी चार लोगों के गैंग की है जो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, वहीं पुलिस उनके इस मकसद को कामयाब होने से रोक रही है। अब फिल्म में आगे किसकी जीत होती है जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी पांचवी फिल्म आती है सत्याग्रह जो कि 2013 में बनी थी। अब आप इसको भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। एक पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित और प्रकाश झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी और अमृता राव जैसे कई प्रसिद्ध कलाकार थे। कहानी एक बूढ़े बाप की है जो अपने बेटे की मौत के बाद वादा किए हुए हर जाने के लिए लड़ता है और आखिरकार वो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए सत्याग्रह का सहारा लेता है। फिल्म में कई तरह के राजनीतिक ड्रामे और पैंतरे दिखाए गए हैं जो असल जिंदगी में भी खेले जाते हैं। तो दोस्तों गौरतलब है कि 13 मई को रिलीज हो रही जॉन इब्राहिम स्टारर ये फिल्म सलमान खान की बहू प्रतीक्षित राधे ये मोस्ट वांटेड भाई के साथ क्लैश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से फिल्म बाजी मारती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। निर्देशक मिलाप जवेरी को रितेश देशमुख से खास लगाव है? जानिए मिलाप की कुछ खास फिल्मों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक फिल्म को बेहतर बनाने के लिए उसमें जहां अच्छे एक्टर्स होना जरूरी है, वहीं एक अच्छा लेखक और एक अच्छा निर्देशन उसे और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकता है। अपनी कई फिल्मों में निर्देशक की कुर्सी संभालने के साथ साथ उनकी कहानी को लिखने का काम भी ये निर्देशक खुद ही करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्देशक लेखक मिलाप मिलन जवेरी की। आइए आज हम आपको उनके द्वारा लिखित कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताते हैं। पहला है मस्ती जो कि 2004 में आई थी। कहानी तीन दोस्तों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वे तीनों ही एक मर्डर के केस में मुख्य आरोपी ठहरा दिए जाते हैं। 5 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने 26 करोड़ रुपए की कमाई की और एक हिट साबित हुई। फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन, आफताब शिवदासानी, जिनेलिया डिसूजा, लारा दत्ता और अमृता राव जैसे कई सितारे थे। नेक्स्ट हे बेबी 2007। कहानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले तीन दोस्तों की है जो मजे के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं।
एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर एक नवजात पाया जाता है। चूंकि उन्हें उसके माँ बाप के बारे में नहीं पता, इसलिए आगे की कहानी में वो उसके बाप और माँ को का पता लगाने निकलते हैं। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान, बोमन ईरानी और विद्या बालन फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। अगली फिल्म है एक विलन, 2014। फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर गुरु, जिसका रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाया था, के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो आयशा यानी कि श्रद्धा कपूर के प्यार में पड़ जाता है और जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला करता है। पर जब आयशा का मर्डर हो जाता है तो वो वापस उसी रास्ते पर चलकर उसकी मौत का बदला लेने निकलता है। इसकी कास्ट की बात करें तो सिद्धार्थ और श्रद्धा के अलावा इसमें रितेश देशमुख, के और आमना शरीफ जैसे कलाकार थे। अगली फिल्म है सत्यमेव जयते, जो कि 2018 में आई थी। जॉन अब्राहम स्टारर इस फिल्म की कहानी वीर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें वो भ्रष्ट पुलिस अफसरों को मारकर जला देता है और अपनी पहचान छुपाए रखने के कारण पुलिस को उसे ढूंढने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जॉन के अलावा मनोज वाजपेयी, आयशा शर्मा भी अहम किरदारों में थे। अगली फिल्म है मर जावा, 2019। कहानी एक डॉन नारायणना के लिए काम करने वाले गैंगस्टर रघु यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, जो डॉन का खास आदमी भी है। जबकि डॉन का बेटा विष्णु रघु से जलता है, क्योंकि उसके पिता उससे ज्यादा रघु को मानते हैं, जिसके कारण वो उसके लिए कई मुसीबतें भी खड़ी करता है। सिद्धार्थ के अलावा इसमें रितेश देशमुख, तारा सुतारिया, रकुलप्रीत सिंह और एमवी किशन भी अहम भूमिकाओं में थे। तो फिल्मों की लिस्ट को देखकर तो लगता है कि रितेश देशमुख मिलाप जावेरी को कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसी वजह से उनकी लगभग हर फिल्म में रितेश तो होते ही होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। क्या एक्शन सीन्स में सच में एक्ट्रेस अपने आप को चोट पहुंचाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं एक्शन सीन? क्या काम होता है एक एडिटर का? इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक अच्छे एक्शन सीन के पीछे एक्शन डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंटमैन और बेस्ट कोरियोग्राफी का हाथ होता है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसमें एक एक्शन सीन परफेक्ट बनाता है। फिल्मों में किसी भारी भड़कम एक्शन सीन को देखकर अक्सर ही हम सोचते हैं कि क्या सच में हीरो के विलन ने एक उसके आदमियों को मारा और उसे चोट भी लगी होगी? तो आइए आज हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल एक अच्छे से कोरियोग्राफ्ड सीन और एक परफेक्ट एक्शन सीक्वेंस के पीछे एडिटिंग, एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एडिटिंग दरअसल एक एक्शन सीन की शूट के दौरान कैमरा कई एंगल से शूट किया जाता है, जिसके बाद एडिटर उन सीन्स को एडिट कर देता है और ऐसा बनाता है जिससे लगता है कि किसी को सच में मारा गया। शूटिंग के समय से सीन्स कई ब्रेक्स में शूट आता है, जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग किसी भी सीन को परफेक्ट बनाने के लिए अच्छी एक्टिंग बहुत जरूरी होती है। अगर एक एक्टर ही हीरो वाली फील नहीं लेगा तो दर्शकों को वो रियल नहीं लग सकता। कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो खुद एक्शन सीन नहीं करते और उनकी जगह उनके बॉडी डबल या फिर स्टंट मैन वो सीन करते हैं। तो अगली बार अगर आप कोई एक्शन मूवी देखें तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने चहेते सितारे को मार खाते हुए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक नाटक है। धन्यवाद, बॉलीग्रास स्टूडियोज देखते रहिए। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन ने जहां 2020 में हर चीज की गति रोक दी थी, जब ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था, ऐसे में फिल्मी इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा जब फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई, जब थिएटर्स को बंद कर दिया गया और लोगों के मनोरंजन पर तो जैसे कोरोना का ताला लग गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीवुड स्टूडियोज में। अब लगभग जब एक साल बाद धीरे धीरे हर चीज अपनी गति पर वापस आ रही है, तब फिल्म इंडस्ट्री भी लोगों के मनोरंजन के साथ वापस है। यूं तो इंडस्ट्री वालों ने लॉकडाउन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि वो दर्शकों से जुड़ पाएं। फिल्में थिएटर में ना सही ओटीटी पर रिलीज होनी शुरू हुई, जिसने बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाई और अब छोटे बजट की फिल्में भी कमाल कर सकती हैं। 2021 में कई फिल्मों के रिलीज होने की चर्चा है, पर कुछ खास फिल्में जो प्रचलित हैं